भक्तिर्भवति। नेक्स्ट की श्रीमद भगवत गीता यथारूप की जय। भगवान की वाणी भगवत गीता की जय। तो आप सभी का पुनः बहुत बहुत धन्यवाद, समय निकालकर भगवत गीता की कथा में उपस्थित हुए। जितना भी हम समय भगवान के किसी भी कार्य में देते हैं वो अक्षय कहा गया है। अक्षय अर्थात उसमें उसका कभी क्षय नहीं है, उसका कभी पतन, उसका कभी नाश नहीं है। तो वही सिर्फ हमारी पूंजी है जो हम बटोर सकते हैं इस संसार में। भगवान की भजन भक्ति कथा श्रवण के अलावा जो कुछ भी मनुष्य कार्य करता है वो क्षय है, यानी समय के साथ वो समाप्त हो जाएगा उसका असर। कोई भी आप एग्जाम्पल लेके देखें, कहीं पर आप घर बनाते हैं तो वो घर कुछ समय तक हमारे साथ रहता है, फिर समय के साथ परिस्थिति के अनुसार, सर्कमस्टेंसेस के अनुसार हमें वो घर या तो बदलना पड़ता है, छोड़ना पड़ता है, या दूसरी जगह जाके हमें अपना फिर से प्रोसेस शुरू करना पड़ता है। कोई हम पढ़ाई, कोई हम नौकरी करते हैं, नौकरी का भी कोई एक निश्चित समय रहता है, फिर हमारी या तो वृद्धि हो जाती है, बढ़ोतरी हो जाती है उसी नौकरी में ही, तो हमें नया रिस्पॉन्सिबिलिटी मिल जाती है, या फिर हम जॉब ही चेंज कर देते हैं, कुछ और ही एक अलग प्रोफाइल पकड़ लेते हैं। कोई भी कार्य आप देखें संसार का, ऐसा कोई कार्य नहीं है जो हम बचपन से करना हमने शुरू किया हो और अभी तक वो कार्य जो है बदला ना गया हो, किसी ना किसी रूप में बदल गया है। लेकिन जब शरीर ही बदल गया है पूरा, तो कार्य की बात तो अलग है। हर 7 साल में हम लोग अपना शरीर ही बदल देते हैं, द साइंस प्रूव करता है। और कौमार अवस्था से यौवन, यौवन से वृद्धा, वृद्धा से नया शरीर दोबारा मिलता है। तो ये चिरकाल से चला आ रहा है हमारे साथ। लेकिन क्या चीज नहीं बदलती है? जो चीज आपने कार्य किया, जो जो आपने भगवान संबंधित कार्य किया है, भगवत गीता श्रवण किया, कथा श्रवण करी, नाम जप किया, हरि कीर्तन सुना, हरि कीर्तन में खाली पार्टिसिपेट किया या पार्टिसिपेट करने का खाली सोचा भर कि मैं करूंगा पार्टी, लेकिन नहीं कर पाए किन्हीं कारण। तो कोई भी कार्य, छोटे से छोटे लेके बड़े से बड़ा कार्य, भगवान कृष्ण से संबंधित कोई भी कार्य आप करेंगे तो वो अक्षय है। तो ये मत समझिए कि ये समय जो आप दे रहे हैं भगवत गीता में ये किसी तरह का टाइम वेस्ट है। कभी भी इस बात को मन में ना आने दीजिएगा, क्योंकि मन बड़ा, हम जानते हैं मन से तो 24 घंटा लड़ाई चली रही है, लेकिन हमेशा उसको यही समझाइए कि हमारा जो समय हम दे रहे हैं ये निश्चित रूप से हमें कई विघ्नों से हमारी रक्षा कर सकता है, करेगा जरूर। तो बड़ा विशेष दिन आज का हरियाली तीज है, आप सभी कुछ लोग जानते भी होंगे तीज का त्योहार कुछ लोग मना रहे हैं। सब कुछ हरा हरा, भगवान को आज भगवान का हरे रंग का श्रृंगार होता है मंदिरों में। अगर आज मंदिर जाएंगे तो जिन लोगों को नहीं पता, वैसे तो विडम्बना यह है कि मंदिर में ही लोगों को पता है, लेकिन जनरली इंडिया में खासतौर पर वृंदावन क्षेत्र में और जहाँ ये त्योहार ही भगवान कृष्ण का है और समस्त गोपी गोपियों के साथ जो उनका राधा रानी के साथ जो उनका संवाद है या जो भी है, हरियाली तीज 4-5 दिन बहुत ही विशेष दिन है। झूलन यात्रा तक आगे आगे झूलन यात्रा आ रही है भगवान, जैसे सावन का महीना चल रहा है तो इसमें वैसे ही झूले डालते हैं लोग, और झूला झूलने के लिए गांव में और शहरों में भी अब डालने लगे हैं, पहले तो गांव में भी विशेष रूप से ये प्रथा थी। और भगवान कृष्ण और राधा रानी के की झूलन यात्रा महोत्सव मनाया जाता है, जो कि आज से शायद 4-5 दिन बाद त्योहार है। तो 4-5 दिन ये हरियाली तीज उत्सव बना रहेगा, और आप भी भगवान के अगर आप घर में बिक रहे हैं तो कुछ हरा वस्त्र उनको पहनाएं, और झूला अगर डाल सकें तो भगवान कृष्ण और राधा रानी, लड्डू गोपाल, कोई भी आपके बिक रहे हो उनकी प्रसन्नता के लिए घर में झूला डाल सकते हैं किसी भी तरीके का। तो ये पूरा पर्व बड़ा विशेष पर्व है, ये पूरा हफ्ता समझिए आप अगला। तो हम लोग अपनी इस यात्रा में जो कि भगवत गीता की यात्रा हम कर रहे हैं, 7 अध्याय समाप्त कर चुके हैं, 7 चैप्टर्स।
और टोटल अभी 18 अध्याय हैं, 9 चैप्टर सभी बचे हैं, जिसमें से प्रमुख छह, प्रथम छह जो हैं वो आत्म तत्व के ऊपर ज्ञान है कि किस प्रकार से भगवान कृष्ण ने अर्जुन को पहले यह समझाया कि वास्तव में हम सभी जीवात्माएं हैं, हम पराशक्ति के भाग हैं, और ये शरीर जो है ये अपराशक्ति का भाग है। पराशक्ति अर्थात जो संसार से परे की शक्ति है, संसार की शक्तियां उस पर असर नहीं दिखा सकती, लेकिन हम क्यों फिर भी इन संसार की शक्तियों के असर में आते हैं, क्यों हम दुख उठाते हैं, क्यों हमारे जीवन में डिस्ट्रेस, प्रॉब्लम्स, मन में शंका, दुविधा रहती है, क्योंकि हम अपनी स्वभाव को भूल चुके हैं, अपने वास्तविक जो हमारा धर्म है उसको हम भूल चुके हैं। और धर्म क्या है? धर्म ये नहीं कि आपने हिंदू के घर में जन्म लिया तो आप हिंदू हो गए, किसी ने मुसलमान के घर में जन्म लिया तो मुसलमान हो गया, कोई सिख बन गया, कोई ईसाई बन गया, ये धर्म नहीं है। दीज आर फेथ, मत है ये आपस में, किसी का कोई मत है, किसी का कोई मत है। धर्म में और मत में अंतर है। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन धर्म एंड रिलीजन। रिलीजन इज ऑल्सो ए फेथ, काइंड ऑफ फेथ। तो किसी का फेथ कहीं और, लेकिन हम सभी का जो फेथ, हम सभी का धर्म सभी का एक है, चाहे फेथ अलग अलग है। इवन जो कम्युनिस्ट कंट्री है रशिया, उसमें कोई लोग भगवान को नहीं मानते, वो कहते हैं वहां पे तो लोग, कम्युनिस्ट लोग का क्या विचारधारा है, कम्युनिस्ट लोग बोलते हैं कि हम ही सब कुछ, हम ही सब कुछ करने वाले हैं, जीव ही जब सब कुछ, संसार के व्यक्ति ही सब कुछ करने वाला है। और लेनिन जो थे, लेनिन आपने नाम सुना होगा, जो कम्युनिस्ट प्रथा जो लेके आए थे, तो एक बार शीला प्रभुपाद जी का संवाद हुआ एक रशियन प्रोफेसर से, प्रोफेसर कोटोस्की उनका नाम था, और शीला प्रभुपाद ने उनको समझाया कि वास्तव में आपका मत कुछ और है, आप समझते हैं कि कोई भगवान नहीं है, करने वाला सब कुछ मनुष्य है, और लेनिन फिलॉसफी को आप फॉलो कर रहे हैं, और हम वेदों को फॉलो कर रहे हैं, वास्तव में हम सभी एक ही चीज, भले ही हमारा मार्ग अलग अलग है, लेकिन हम लोग का धर्म एक ही है। और मनुष्य का धर्म क्या बताया गया शास्त्रों में? सेवा। कोई भी मनुष्य सेवा किए बिना नहीं रह सकता, हम सभी मनुष्यों का धर्म ही है सेवा करना। ए बी की सेवा कर रहा है, बी सी की सेवा कर रहा है, जैसे कि मिर्ची का धर्म क्या है? तीखापन है। किसी ने मीठी मिर्ची सुनी है कभी? मिठास मिर्ची में हो, कभी नहीं सुना, क्योंकि मिर्ची कभी, मिर्च स्पाइस कभी मीठा हो ही नहीं सकता है, तो उसका धर्म क्या है? तीखापन। उसी प्रकार से चीनी का धर्म क्या है? मिठास। चीनी कभी कड़वी नहीं हो सकती, वो अपना कभी धर्म नहीं छोड़ सकती, स्वभाव उसका क्या है? मिठास। नमक का मिठास क्या है? नमक का धर्म क्या है? नमकीनपना। ये कभी अपना धर्म नहीं छोड़ सकते। तो ये है वास्तव में धर्म। मनुष्य का धर्म क्या है? सेवा करना। सेवा किए बिना मनुष्य नहीं रह सकता। उसका एग्जाम्पल आप दे सकते हैं, कोई अपने समाज की सेवा कर रहा है, कोई व्यक्ति अपने ऑफिस में अपने मैनेजर को खुश करने के लिए अलग अलग तरीके से सेवा कर रहा है, कोई अपना देश की सेवा कर रहा है, कोई परिवार की सेवा कर रहा है, परिवार के लिए कार्य कर रहा है, उसको उनकी सेवा करने के लिए अपना सुख दुख भूल के परिवार खुश रहे, बस दिन रात 24 घंटा मेहनत कर रहा है। और जिसके पास कुछ सेवा करने के लिए नहीं है, उसने क्या कर रखा है? उसने कुत्ते बिल्ली पाल ली है, वो कुत्ते बिल्ली की सेवा में लगा हुआ है। जहां कुत्ते उनको टहलाते हुए ले जाएंगे वहां जाना पड़ेगा, जहां कहीं भी अपनी विष्ठा त्याग करेंगे उनको, उन विष्ठा को उठाना पड़ेगा अपने हाथों से। खासतौर से अमेरिका में तो हमने नियम देखा है, जो लोग यहाँ पे टहलाने निकलते हैं अपने पशु कुत्तों को, वो जहां भी विष्ठा करेगा उसको, उनको अपने हाथ से उठाना पड़ेगा। तो किसी के पास सेवा का कोई विकल्प नहीं भी है, तो उसने जानबूझ के विकल्प बना लिया है, कुत्ते बिल्ली पाल के उनकी सेवा में लग गया है। बिना सेवा किए कोई रह ही नहीं सकता। और
इन सभी वर्गों को अगर आप देखें तो वास्तव में हम सभी जो सेवा कर रहे हैं, किसकी सेवा कर रहे हैं? अपनी इंद्रियों की सेवा कर रहे हैं। जैसी हमारी इंद्रियों ने बोला हमें, वैसा हम करने का प्रयास कर रहे हैं। हमारी इंद्रियां बोलती हैं भगवद गीता क्लास में जाओ, हम चले जाते हैं। हमारी इंद्रियां बोलती हैं आज जाने की जरूरत नहीं है, और रोज रोज जाने की आवश्यकता नहीं है, रिकॉर्डिंग तो आई जाएगी, या रिकॉर्डिंग यूट्यूब मिल जाती है, छोड़ो आज मत जाओ। तो कुछ भक्त लोग नहीं आते, कुछ भक्त लोग इंद्रियां बोलती हैं कि सिगरेट स्मोकिंग करो, भले ही तुमने पढ़ लिया है सिगरेट स्मोकिंग इंजरीज टू हेल्थ, लेकिन फिर भी स्मोक द सिगरेट, ठीक है हम सिगरेट स्मोक करेंगे। ऑल दो आई नो दैट सिगरेट स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ, मैंने पढ़ भी लिया है सिगरेट के पैकेट पर लिखा हुआ है, लेकिन फिर भी मैं सिगरेट पीऊंगा क्योंकि मैं इंद्रियों की सेवा कर रहा हूं। हम सभी जीव वास्तव में अपनी इंद्रियों की सेवा कर रहे हैं। कोई भी व्यक्ति का भले ही वो ऊपर से प्रतीत होगा कि वो अपने ऑफिस में बड़ा अच्छे से काम कर रहा है, कोई व्यक्ति अपने ऑफिस में बड़े अच्छे से काम कर रहा है, एकदम अपने मैनेजर की प्रसन्नता के लिए, अपने प्रोजेक्ट को अच्छा बनाने के लिए खूब अच्छे से मेहनत कर रहा है अपने प्रोजेक्ट में, लेकिन वास्तव में वह व्यक्ति जो है वो अपनी इंद्रियों को तुष्ट करने में लगा हुआ है। कैसे मैं अच्छा प्रयास करके अच्छा प्रोग्रेस करूं यहाँ पर अपने ग्रुप में, ताकि मेरी बढ़ोतरी हो, मेरी पोजीशन और परमानेंट हो जाए, और परमानेंट होगी और अच्छी पोजीशन होगी, और पैसा आएगा, और पैसा आएगा तो उससे मैं और अपनी इंद्र तृप्ति करूंगा, और सेवा और अपनी सेंसेस के सेटिस्फेक्शन में लग जाऊंगा। तो मोटे तौर पे हम सभी अपने इंद्रियों के हाथों गुलाम हैं। इंद्रियां क्या हैं? पांच कर्म इंद्रियां हैं, उनको तो ज्ञान इंद्रिया बोला गया है, आंख नाक कान मुंह त्वचा, और हमारी स्पर्श इंद्री है, हमारी देखने की इंद्री है। तो हमारी आंखों ने कोई बिलबोर्ड देखा, हम ट्रेवल कर रहे थे कहीं पर, अगर रास्ते जाते हैं बिलबोर्ड देखते हैं कि एक बहुत ही फेमस मूवी आने वाली है 2 दिन में, खाली आंखों ने देखा उस बिलबोर्ड को, एक्चुअल मूवी अभी भी नहीं देखी है, खाली उस बिलबोर्ड को हमने देखा कि एक मूवी आने वाली है, उसका पोस्टर लगा हुआ देखा जो कि निर्जीव पोस्टर है, लेकिन इतनी शक्तिशाली बलवती इंद्री है आंख हमारी, ये पूर्ण शरीर का विचारधारा को उस पिक्चर, हमारी कॉन्शियसनेस को उस पिक्चर में या उस मूवी में केंद्रित कर देगी। एंड वी स्टार्टेड मेकिंग प्लानिंग, अब हम प्लान बनाना शुरू करेंगे, कैसे उस प्लान को एग्जीक्यूट करें, किस प्रकार से हम उसको देखें जाके मूवी को, भले ही हमें छुट्टी लेके देखना पड़े लेकिन फर्स्ट डे फर्स्ट शो जरूर देखेंगे, उसी में मजा है। भले ही $250 देंगे, वो $250 हम किसी गरीब कहीं पर हम ध्यान पूर्ण कर सकते हैं, लेकिन हम पिक्चर देखेंगे जरूर क्योंकि हमें इंद्रियों को संतुष्ट करना है। तो इंद्रियों की संतुष्टि के पीछे हर व्यक्ति पड़ा हुआ है, और यही इंद्रियां हमें नचाती हैं। कभी इंद्रियां बोलती हैं कि तुम्हें भयभीत होना चाहिए, डर के रहो, जरा किसी से ज्यादा आगे बढ़ के बात नहीं करनी, तो व्यक्ति अंतर्मुखी हो जाता है। कभी इंद्रियां बोलती हैं किसी की कि नहीं, तुम्हें एकदम प्रोएक्टिव, एकदम अच्छा होना चाहिए, सबसे एकदम अच्छे से बात करो अंदर से, तो वैसा व्यक्ति उसी प्रकार का बन जाता है। तो भय की भावना आ गई या किसी प्रकार की कोई भावना का संचार हम जो अपने अंदर महसूस करते हैं, ये हमारी इंद्रियों के ही कारण है। जिस प्रकार से हमें नचा रही हैं, हम नाच रहे हैं, और इसका खुलासा भगवद गीता करती है। भगवद गीता में भगवान कृष्ण ने क्या बोला, अगर आप सभी को ध्यान हो, हमने चौथे अध्याय में ही पढ़ा था, या कि ये शरीर है ये एक रथ के समान है, और रथ में पांच घोड़े लगे हुए हैं। ये पांच घोड़े कौन है? पांचों इंद्रियां हैं, आंख नाक कान मुंह त्वचा, और पांचों घोड़े पागल हैं। ऐसा कोई भी नहीं है कि एक घोड़ा पागल हो, पांचों ही घोड़े पागल हैं। एक पागल घोड़ा किसी के वश में नहीं आता है, जिस दिशा में भागना चाहे उसे भागने दिया जाता है। अब ऐसे रथ पे हम बैठे हैं जो पांचों ही घोड़े पागल हैं, हमारे आंख गलत चीजें देखना चाहती हैं, हमारे कान किसी की निंदा चुगली सुनना चाहते हैं, हमारी जिह्वा जो है वो कहीं भी कुछ भी मांस खा लो, मच्छी खा लो, या किसी किसी का कुछ कुछ भी गलत सलत सेवन करना चाहती है, और हमारी जो जो विभिन्न इंद्रिया का जो नाक जो है कहीं भी कुछ भी कहीं हमने कुछ स्वादिष्ट कुछ व्यंजन किसी का सूंघ लिया, कहीं पे हमें सुगंध आ गई,
तो हम ये नहीं देखेंगे कि वो सुगंध जो आ रही है, वो जो पकवान पक रहा है, क्या वो किसी जीव हत्या के द्वारा पका के वो सुगंध आ, जैसे ही हमने किसी ऐसी रेस्टोरेंट में प्रवेश किया जहां पर जीवों को मार के, किसी किसी निम्न पशु को मार के खिलाया जा रहा है, वहां की सुगंध हमारे नाक में पड़ती है, तो इस नाक उस सुगंध में इतनी शक्ति है कि ये पूरे शरीर को उस तरफ खींच के ले जाती है, ले जाने की शक्ति रखती है खाली सुगंध आने से। तो ये पांचों पागल घोड़े अपने अपनी दिशा में अपने अपने आप को संतुष्ट करने में लगे हुए हैं, अकेले अपने बल पे नहीं कर सकते, इन्हें पूरा शरीर चाहिए संतुष्टि के लिए, इन्हें आप चाहिए संतुष्टि के लिए। इंद्रियों में स्वयं में इतनी शक्ति नहीं है कि वो खुद अपने को सेटिस्फाई कर लें, इसलिए उन्हें जीव की सहायता चाहिए होती, क्योंकि इंद्रिया क्या है, अपरा शक्ति है। अपरा अर्थात जड़ पदार्थ, जो कि अब भगवान की एक्सटर्नल एनर्जी, कोई भी एक्सटर्नल एनर्जी जो है वो अपने बलबूते पे अपने को संतुष्ट नहीं कर सकती, उसे पराशक्ति का सहयोग चाहिए। और वो पराशक्ति कौन है, आप स्वयं हैं, आप जीवात्मा। जब तक आप सहायता नहीं करेंगे अपराशक्ति की, तब तक वो अपने को संतुष्ट नहीं कर सकती, इसलिए वो आपको उकसाती है अंदर से, जाओ सिगरेट पियो, बड़ा आनंद है इसमें। और ज्ञान की कमी होने के कारण हमें इंद्रियों का सुनना पड़ता है, देख लेंगे, पढ़ लेंगे, गलत है। कौन नहीं जानता कि शराब पीने से लीवर खराब नहीं होता, लेकिन फिर भी हम पीते हैं और रिस्क लेके, कोई बात नहीं, कुछ नहीं होता। कौन नहीं जानता सिगरेट पीने से फेफड़े नहीं जलते, कौन नहीं जानता कि अगर हम अत्यधिक मांस खाएंगे, शरीर मांस खाने लायक नहीं बना है, लेकिन खाएंगे तो अर्थराइटिस ऐसी बीमारियां हो जाएंगी, होंगी, जब होंगी देखा जाएगा। तो ये कह के हम अपने आप को बचाते रहते हैं, जस्टिफाई करते रहते हैं, लेकिन इंद्रियां इतनी बलवती हैं, ये अपने बलबूते बना करके हमें उकसाती हैं, जो कि पराशक्ति का भाग है। और हमारे अंदर ज्ञान की कमी होने के कारण हमें इंद्रियों का सुनना पड़ता है। और वही भगवान ने इस रथ के एग्जाम्पल से बताया कि रथ पांच घोड़े से बंधा हुआ है, पांचों घोड़े जो हैं पांचों पागल पागल घोड़े हैं, पांचों पांच इंद्रियों के सूचक हैं। और इन रथ इन घोड़ों की जो नकेल नाल जो उनकी पड़ी है, जो गले में जो रस्सी पड़ी है नाक में उनके, वो क्या है, वो हमारा मन है। अगर लगाम जो है और वो मन जो है वो ढीला है, वो कसा हुआ नहीं है, मन कभी करता है दूसरों को की निंदा चुगली करें, उनकी इंसल्ट करें, तो हमें सुननी पड़ती है उनकी बात। कभी मन इजीली बहकावे में आ सकता है किसी के भी, क्योंकि ढीला पड़ा हुआ है। और लगाम किसके हाथों में, सारथी के हाथ में होती है। सारथी कौन है, सारथी है बुद्धि। अब बुद्धि जो है बेचारी, उसको पता ही नहीं है क्या सही है क्या गलत है, उसे यही नहीं पता कि क्या खाना पीने से क्या हमारे शरीर को नुकसान होता है, क्या क्या खाएं तो अच्छा हो जाए, क्या क्या ना खाएं तो जिससे अच्छा हम लोग बचे बचे रहे, इतना ही ज्ञान नहीं है बुद्धि को। बुद्धि सोचती है कि मैं जो जो कुछ भी मैं जो कुछ भी मैंने सुना है, सुन के समझा है अपनी लिमिटेड बुद्धि से, वही सही है, शास्त्र की बातें सब बेकार है, भगवान कहीं एग्जिस्ट भी करते, किसने देखा है भगवान, कहाँ होता है भगवान, क्या भगवान की बातें भी माने, किस सब नकारात्मक बातें हैं, बेकार की बातें हैं, इन पे ध्यान नहीं देना चाहिए, ऐसी विचारधारा जनरली हमारे मन में क्यों आती है, क्योंकि बुद्धि जो है वो ढीली है, उसको पता ही नहीं है क्या सही है क्या गलत। ये ठीक उसी प्रकार है जैसे किसी 5वीं क्लास के बच्चे को बोला जाए कि उसको 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 अगर समझाया जाए पीएचडी का कोई कॉन्सेप्ट, तो पीएचडी के कॉन्सेप्ट को जब समझाया जाएंगे वो उस बेचारे को समझ में आएगा नहीं, क्योंकि बुद्धि इतनी विकसित है नहीं, वो उसको झुटला देगा या मजाक में उड़ा के भाग जाएगा, वहां सुनेगा ही नहीं उस बात। ऐसी हम सभी को जब समझाया जाता है कि भगवद गीता ज्ञान हमें लेना चाहिए, भगवान एग्जिस्ट करते हैं, भगवान का अपना धाम भी है, बार बार जन्म मृत्यु हो रहे हैं, जन्म मृत्यु से हमें बचना है, चक्कर से बचना है, हरि नाम जप करना है, हरि कथा सुननी है, तो जैसी ही बातें हमारे कानों में पड़ती हैं, हम सोचते हैं अरे बेकार की बातें छोड़ो, इन सबको किसने देखा है भगवान, कहाँ होता है भगवान, ये सब ढोंगी है, सब ढकोसला है, कोई सत्यता नहीं है इसमें, कोई आज तक देख पाया है भगवान को, जो अब देखेंगे। तो एक मूर्ख बालक के प्रति हमारा स्वभाव रहता है, लेकिन भक्तजनों भक्ति का विषय जो है या अध्यात्म का विषय जो है, ये अनुभव का विषय है, इसमें श्रद्धा होनी बहुत जरूरी है।
पहली ही सीढ़ी श्रद्धा की है। अगर श्रद्धा ही नहीं है तो हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। आगे बढ़ने का मतलब क्या, हम समझ नहीं पाएंगे कि ज्ञान सही है। तो जब ये ढीली बुद्धि के हाथ में ढीला मन पड़ा हुआ है तो घोड़े तो अपनी अपनी दिशा में भागेंगे और भाग भी रहे हैं। आंख कहीं और देखने जाना चाहती है, मन कहीं और, तो मन को वहीं ले जाती है। कान किसी और की निंदा चुगली सुनना चाहता है तो मन को वहीं खींच के ले जाता है। जिस दिशा में ये रथ बहता रहता है अपनी अपनी इच्छा अनुसार, उस दिशा में ये बुद्धि को रथ लेके जाना पड़ता है, क्योंकि बुद्धि कमजोर है। और इस रथ पे आरूढ़ कौन है, कौन इस रथ का मालिक है जो पीछे बैठा हुआ है, वो हम स्वयं हैं। आत्मा रूप में हम सभी आत्मा रूप में इस रथ पर बैठे हुए हैं, इस शरीर को धारण किए हुए हैं। हम ये शरीर नहीं है ये हम समझ चुके हैं। ना ही हम मन हैं, ना ही हम बुद्धि हैं, और ना ही हम इंद्रियां हैं। हम इंद्रिय मन और बुद्धि से परे पराशक्ति भगवान की रथ पे बैठे हुए हैं, और जहां ये रथ बह जा रहा है उस दिशा में हमें जाना पड़ रहा है मजबूरी वश। और अध्यात्म हमें जो आध्यात्मिक कार्य है, जो भी हम कथा श्रवण कर रहे हैं, भगवत का ज्ञान लेने का प्रयास कर रहे हैं, ये इस आत्मा इस बुद्धि को स्ट्रांग बनाने का प्रोसेस है। बुद्धि को, तीव्र बुद्धि को, आपको सचेष्ट एक तरीके से इतना स्ट्रांग बनाना है इस बुद्धि को, सही और गलत का ज्ञान करा के भगवान के माध्यम से, भगवान के बताए ज्ञान के माध्यम से, कि ये मन को कस सके, मन को लगाम दे सके। वरना समाज में इतने व्यभिचार क्यों हो रहे हैं, आप खुद देखें समाज में इतने जो व्यभिचार फैल रहे हैं, क्यों? क्योंकि मन हमारा गलत कार्यों में लगा हुआ है और बुद्धि के पास शक्ति नहीं कि वो इसको कंट्रोल कर सके। अगर आप सभी को ध्यान हो, अध्याय दूसरे के 62वें और 63वें श्लोक में हमने क्या समझा था, किसी को याद है? 262 और 263, या किसी ने मनन किया है उन दो श्लोकों पर? उन दो श्लोकों को हमेशा भी याद रखिए। ये दो ऐसे इंपॉर्टेंट श्लोक हैं कि ये आपको गलत काम या गलत तरीके से मन को कहीं भी भटकने से बचा लेंगे। ऐसे कुछ श्लोकों को आप, जो कि इंपॉर्टेंट श्लोक आए भगवद गीता में, उनको आप कहीं पे नोटबुक कहीं पे नोट करके रखें, उनका नंबर ही नोट करके रखें, ताकि कभी समय आने पर उनको आप रिवाइज कर सके। तो ये तरीके से प्रोसेस हम लोग फॉलो करते हैं कि कुछ ऐसे, क्योंकि 700 श्लोक हैं भगवद गीता में, और 700 श्लोकों में कौन सा हमें एकदम से जरूरत पड़ने पर हमारे काम आ सके, उसके लिए हमें एक सूची बनानी बहुत जरूरी है। कैसे हम लोग सूची बना के रखते हैं कि इस समस्या में का समाधान कैसे होगा, इस श्लोक में इसका अंतर लिखा हुआ है, अगर मैं इसको समझ लूंगा तो मुझे ये समस्या जीवन में नहीं आएगी। जैसे किसी को बहुत भय लगता है, बड़ा डर लगता है, डरा डरा जीवन जीता है, अरे मेरा अभी कभी कुछ हो जाएगा, अभी मेरा दम निकल जाएगा, अभी कुछ हो जाएगा, पता नहीं मेरा पीछे मेरे बच्चों का क्या होगा, ये ऐसे, या किसी प्रकार का भी कोई भी भय मन में है, मन में अगर, तो भगवद गीता ने उसका समाधान दिया है। तो उन श्लोकों को याद रखें, जैसे कि अभी हम ये 262 श्लोक है, मैं दोबारा से शेयर करता हूँ आपको। इन दो श्लोकों को आप हमेशा ध्यान रखें कि हमारा बुद्धिनाश या समाज का पतन क्यों हुआ, या जनरली हमारा पतन भी क्यों होता है। सेकंड चैप्टर में 62 और 63 श्लोक, 62 श्लोक से कहानी शुरू होती है। वो कहानी कैसे शुरू होती है, ध्यायतो विषयाम पुंसाम। ध्यान किसी चीज में, मन या इंद्रियां हमारी अटक गई हैं, जैसे किसी ने कुछ चीज देख ली, अब उसको उसे प्राप्त करना है। तो अच्छे बुरे का ज्ञान तो है नहीं, क्योंकि बुद्धि कमजोर है, भली वो चीज मेरी नहीं है, वो चीज कुछ भी हो सकती है, एक 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 निर्जीव वस्तु से लेके एक सजीव पुरुष या स्त्री तक, किसी भी व्यक्ति पे हमारा अगर ध्यान अटकता है और बुद्धि सशक्त नहीं है तो कैसे पतन होता है वो देखिए। ध्यायतो विषयाम पुंसाम, ध्यान लगने से, संगस्तेषु पुजायते, संगात संजायते, कामा कामा क्रोधा विजायते। इसके अर्थ में क्या है, वाइल कंटेम्पलेटिंग द ऑब्जेक्ट ऑफ सेंसेस, मतलब कि जब मैंने किसी इंद्रिय विषय को देखा जो कि मेरे बस के परे है और बुद्धि मेरी कर, लेकिन मैं उसके प्रति आसक्त हो गया हूँ, तो मेरा ध्यान लगाना अर्थात उस प्रति ध्यान लगाने लगा मैं,
कैसे मुझे प्राप्त हो, कैसे प्राप्त हो, कैसे प्राप्त हो, ऐसा सोचने लगे हम। अ पर्सन डेवलप्स अटैचमेंट फॉर देम, तो उस व्यक्ति उस वस्तु के प्रति अटैचमेंट पैदा हो जाती है, क्योंकि उसके प्रति हम निरंतर ध्यान लगा रहे हैं, और निरंतर ध्यान लगाने से उस व्यक्ति वस्तु पे अटैचमेंट हो गई, एंड फ्रॉम सच अटैचमेंट लस्ट डेवलप्स। और जब उस अटैचमेंट को हमने कंट्रोल नहीं कर पाए तो काम विकार मन में उत्पन्न हुए, लस्ट फुल डिजायर्स। ये जरूरी नहीं है किसी पुरुष या स्त्री के प्रति होगी, किसी व्यक्ति व्यक्ति वस्तु पैसा जमीन इनके प्रति कोई आकर्षित हो सकता है, और ऐसा समाज में ऐसा दिखाई दे रहा है। जमीन, निर्जीव जमीन के टुकड़े के प्रति लोग आसक्त हो जाते हैं, और इस लस्टफुल जब लस्ट डेवलप हुई तो क्या हुआ, फ्रॉम लस्ट एंगर अराइजेस। और जब लस्ट पैदा हुई वो वस्तु हमारे पहुंच में तो है नहीं, लेकिन हमें फिर भी भरसक उसको प्राप्त करना है, नहीं प्राप्त कर पा रहे तो क्रोध जनरेट हुआ, क्यों नहीं कर पा रहे, कैसे मुझे कोई उससे रोक सकता है, ये वस्तु मेरी है, यह व्यक्ति पुरुष मेरे संबंधित है, ये कैसे मुझसे दूर रह सकता है। तो शुरुआत कहाँ से हुई कहानी की, ध्यान लगाने से। किसी ऐसी चीज पे ध्यान अटक गया हमारा, या तो आंख ने कुछ चीज देख ली, या कान ने कुछ सुन लिया, या नाक ने कुछ सूंघ लिया ऐसा, या जीवा ने कुछ स्वाद चख लिया, या स्पर्श ही हो गया किसी चीज का, तो इन पांचों ज्ञान इंद्रियों से कोई भी ऐसा कार्य हो गया जिसमें हमारा ध्यान अटक गया और उससे हमारे उस प्रति अटैचमेंट हो गई, तो अटैचमेंट होने से क्या होगा, लस्ट पैदा होगी, और लस्ट पैदा होने के बाद अगर जब तो उसको लस्टफुल डिजायर्स की सेटिस्फेक्शन नहीं होती है तो क्रोध उत्पन्न होता है। और कहानी अभी यहां खत्म नहीं हुई है, 63 तक में भगवान बता रहे हैं जब क्रोध उत्पन्न हुआ तो क्या होता है, क्रोध भवति सम्मोहा, सम्मोहा स्मृति विभ्रमा, स्मृति विभ्रमाश बुद्धिनाशो, बुद्धिनाश प्रणश्यति। और जब क्रोध उत्पन्न हुआ, फ्रॉम एंगर कंप्लीट डिल्यूजन अराइजेस, इल्यूजन में आ गया, अरे वो तो मेरी ही वस्तु है, कैसे कोई मुझसे वो छीन सकता है, इट इज कॉल्ड इल्यूजन। संसार में हमारा कुछ भी नहीं है, शरीर तक मेरा नहीं है, भाई तू किसको अपना समझे बैठा है, इस शरीर से भी लात मार के निकाल दिया जाएगा एक दिन, कोई नहीं बचा पाएगा, इस शरीर भी एक दिन हमें छोड़ के जाना है, जब कुछ हमारा है ही नहीं तो कैसे कोई व्यक्ति या वस्तु हमारा हो सकता है। लेकिन इल्यूजन मोह जिसे कहते हैं, क्रोध से वो मोह उत्पन्न हुआ कि नहीं ये मेरी, मुझे क्यों नहीं प्राप्त हो रही है, मेरी बात क्यों नहीं कोई सुन रहा है, तो इस मोह से क्या होता है, फ्रॉम इल्यूजन बिवाइल्डरमेंट ऑफ मेमोरी, हमारी जो मेमोरी है, हमारी जो बुद्धि है वो डगमगा जाती है, क्या सही है क्या गलत है। एंड फ्रॉम मेमोरी, व्हेन मेमोरी इज बिवाइल्डर्ड, इंटेलिजेंस इज लॉस्ट। और जब बुद्धि चकरा जाती है तो क्या सही क्या गलत इसकी भावना समाप्त हो जाती है। इसलिए आज के समय में समाज में इतनी कुरीतियां हैं, देखिए सुसाइड से लेके व्यभिचार तक जो भी गलत काम हो रहे हैं वो सिर्फ इस बुद्धि नाश का ही सूचक है। और शुरुआत कहाँ से हुई, ध्यायते, ध्यान लगाया हमने, हमने अटैचमेंट जो पैदा करी उस वस्तु से, उसके प्रति हमारा, और अटैचमेंट क्यों पैदा हुई, क्योंकि इंद्रियां हमारे इंद्रियों के हम नौकर बने हुए हैं, जैसी हमारी इंद्रियां हमें कह रही हैं वैसे हमें करना है, उनको रोकने की शक्ति हमें नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि मन ढीला पड़ा हुआ है। मन ढीला क्यों है, क्योंकि बुद्धि स्ट्रांग नहीं है, इंटेलिजेंस ही नहीं हमारे पास इतनी कि हम क्या सही क्या गलत की पहचान कर सकें। तो ये सारा खेल तमाशा इस कमजोरी जो हम सभी के अंदर है उसके कारण हो रहा है। और जब इंटेलिजेंस लॉस होती है, जब बुद्धि का नाश हो जाता है, तो क्या सही है क्या गलत सब इंसान भूल जाता है। ये जो इतना दुर्लभ शरीर मनुष्य को प्राप्त हुआ, लेकिन किसी अटैचमेंट के कारण, किसी कारण से इस शरीर तक का नाश कर देता है इंसान, सुसाइड कर लेता है। कितने सुसाइड केसेस हैं देखिए समाज में आज के समय में, कितने रेप केसेस हैं, कितने और गलत कुरीतियां हैं संसार में, क्यों, इसीलिए क्योंकि बुद्धि नाश। भगवद गीता के श्लोक को भगवान ने समझाया अर्जुन को कि जो बुद्धि नाश होता है जीव का, वो सिर्फ इसी कारण से होता है कि उसके अंदर जो अटैचमेंट संसार में हुई, या जमीन को लेकर विवाद जो हो रहे हैं, देखिए इंडिया पाकिस्तान के बीच में लड़ रहा है, क्यों, क्योंकि कश्मीर का एक टुकड़ा चाहिए, कश्मीर मेरा है, कश्मीर मेरा है। ऐसी रशिया
और पोलैंड, ये लोग आपस में लड़ रहे हैं, ऐसी आपस में क्यों क्यों झगड़ा करते हैं, जमीन को भी बात लेके, जमीन पे कितने समय तक रहेंगे, 10 साल, 20 साल, 30 साल, 50 साल, 60 साल, उसके बाद क्या होगा? तो किसी चीज के प्रति इतनी अटैचमेंट हो गई कि उस अटैचमेंट के प्रति लस्ट पैदा हो गया कि वो तो चाहिए ही चाहिए मुझे, अब कैसे कोई मुझसे छीन सकता है वो, और नहीं मिल रही तो गुस्सा आ रहा है, इंडिया पाकिस्तान को गाली निकालता है, पाकिस्तान इंडिया को गाली निकालता है, एक दूसरे को गाली देते देते मर जाते हैं, फिर अगले जन्म में जिस प्रकार की बुद्धि बनी, इंडिया वालों ने पाकिस्तान के बारे में सोच के मरे, तो पाकिस्तान में पैदा हो गए, अब जब पाकिस्तान में पैदा हुए तो अब इंडिया की बुराई करने लगे, और पाकिस्तानी जब मर के इंडिया में पैदा हुए तो फिर पाकिस्तान की बुराई करने लगे। वही जीवात्मा, वही सेम आत्मा है जिसने शरीर बदला है, पहले जो इंडिया की बुराई करते थे अब पाकिस्तान की बुराई कर रहे हैं, तो ये प्रोसेस चल रहा है। जीवात्मा तो वही है, जीवात्मा थोड़ी बदली है, शरीर बदला है बस। ये एक छोटा सा एग्जाम्पल है, और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं जो जमीन को लेके या दूसरे समाज के लिए भी बात करते हैं। इस का ये ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि बुद्धि नाश, स्मृति विभ्रम, और स्मृति विभ्रम बुद्धि नाश हो, एंड व्हेन इंटेलिजेंस इज लॉस्ट, जब इंटेलिजेंस भी लॉस हो जाती है, बुद्धि नाश होता है, क्या होता है? वन फॉल्स डाउन अगेन इन टू द मटीरियल पूल, फिर से जीव मरने के लिए संसार में आ जाता है। मैं नहीं मरना चाहता हूं, मैं नहीं बूढ़ा होना चाहता हूं, मैं नहीं बीमार पड़ना चाहता हूं, उसके लिए क्या करना पड़ेगा? उसके लिए संसार से बाहर निकलना पड़ेगा, इस संसार के चक्रव्यूह से बाहर निकलना पड़ेगा। जब तक इस संसार के चक्रव्यूह में आप फंसे हुए हैं, तब तक जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम, इन चार प्रकार के दुखों को आपको देखना ही पड़ेगा, चाहे आप इंडिया में रहें, चाहे अमेरिका में रहें, चाहे जंगल में रहें, चाहे बीहड़ में रहें, चाहे इंडिया में रहें, चाहे पाकिस्तान में रहें, चाहे अमेरिका में रहें, चाहे कहीं भी रहें, इन चार प्रकार के दुखों को, जन्म मृत्यु जरा और व्याधि, इन चार प्रकार के दुखों को आपको देखना ही पड़ेगा, चाहे आप किसी देश के राजकुमार हो या राजा हो या एक भिखारी हो या शूद्र चींटी ही क्यों ना हो, पशु शरीर में ही क्यों ना हो, ये दुख हमें देखने ही पड़ेंगे क्योंकि इस संसार के चक्रव्यूह में फंसे हुए हैं। क्या किया जाए? तो उसके लिए, करने के लिए हम इसी अध्याय को पढ़ते आ रहे हैं आगे से, लेकिन इन दो श्लोकों को आप याद रखें क्योंकि यही हमारे पतन का कारण बनता है। जो संसार में हमें बार बार फेंके दे रहा है वो ये लस्टफुल डिजायर्स हैं, ये इंद्रियां हैं, जो इंद्रियां हमारे वश में नहीं है। और इसका संवाद हमने कैसे शुरू किया था कि जो हम सेवा कर रहे हैं, सेवा दिखता जरूर है कि हम परिवार की सेवा कर रहे हैं या समाज की सेवा कर रहे हैं, लेकिन वास्तव में हम सभी अपनी अपनी इंद्रियों की सेवा कर रहे हैं। जो हमें इंद्रियों को संतुष्टि लग रही है वही अच्छा हमारे लिए है। जिस जिस किसी चीज को इंद्रियों ने, भले ही वो कितनी फायदे की चीज क्यों ना हो, हमारी इंद्रियां उनको नहीं स्वीकारती है तो हमारे लिए बुरी वस्तु हो जाती है। तो किसी, कितने लोगों का बोले कि भाई भगवद गीता कथा में आया करो, कथा श्रवण करने से आपके जीवन का लाभ होगा, आपके मन से जितनी भी बुराइयां हैं या डर है या संकोच है, एंग्जाइटीज हैं, डिप्रेशन हैं, ये भावनाएं निकल जाएंगी, आप आगे जीवन में अपना और अच्छी तरीके से अपना जीवन जी सकोगे। लेकिन इंद्रियां जब तक, हमारी जो सेंसेस हैं, जब तक उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे, हम नहीं कर पाएंगे एक्सेप्ट। तो इंद्रियों से परे जाके सोचना है क्योंकि हम इंद्रियों के परे हैं, और वही हमने 7वें अध्याय में समझा था अभी तक कि वास्तव में हमारी जो शक्ति है वो क्या है, कि हम सभी पराशक्ति हैं, भगवान की शक्ति हैं। तो उस कथा को हम आज आगे बढ़ाएंगे, 8वें चैप्टर में हम प्रारंभ करेंगे, 7 चैप्टर हमारे हो चुके हैं। लेकिन कथा सुन श्रवण करने से पहले एक माला जब भगवान के शुद्ध नाम के हम करेंगे ताकि हमारा मन शुद्ध हो सके और हम अपने मन में, अपनी बुद्धि में भगवान की कथा को धारण कर सकें। तो आप सभी से प्रार्थना है, अपनी अपनी माला थैली आप ले लें, और माला थैली पे, जिनके पास माला थैली नहीं है वो हाथ पे भी जप कर सकते हैं, और नहीं तो 5 मिनट हमारे साथ इस संकीर्तन में सम्मिलित हो सकते हैं। जिनके पास माला थैली है वो अपनी माला पे एक माला जप करेंगे, उसके बाद हम 8वें चैप्टर को आज प्रारंभ करेंगे, और आखिरी के 15 मिनट आज क्लास में हम आपको, कोई आपका प्रश्न उत्तर हो या प्रश्न हो तो उसको फिर हम डिस्कस करेंगे, आपके प्रश्न उत्तर हो। नमः ओम विष्णु पदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते नवयोगेन्द्र स्वामिनी इति नामिने।
नमस्ते प्रभुपाद देवे नाम संकीर्तन प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी समस्त देश तारिणे नमः विष्णु पदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनी नामने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नितानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद की जय। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे हरे बहुत बहुत धन्यवाद। अगर माला नहीं हुई हो तो माला करते रहें, हम कथा में आगे बढ़ते हैं। तो सातवां अध्याय हमने पिछले हफ्ते समाप्त किया था। आठवें अध्याय में जाने से पहले आप सभी का छोटा सा एक टेस्ट हम लेंगे, देखते हैं कितना आप सभी को समझ में आया। एक काइंड ऑफ रिवीजन है जिससे कि
हम फिर से उन कॉन्सेप्ट को समझ लें, क्योंकि ये जो सातवां चैप्टर है ये बेसिक है भक्ति योग की। अब छह अध्याय तक भगवान बता चुके हैं आत्म तत्व के बारे में, आत्म तत्व का ज्ञान यानी कि मैं कौन हूँ। तो हम अभी ये समझ चुके हैं कुछ हद तक, ये तो जान ही चुके हैं कि मैं शरीर नहीं हूँ। भले ही उसका अभी ये प्रैक्टिकल अनुभव नहीं हो पा रहा होगा, लेकिन एक ज्ञान आपको मिल गया कि आप वास्तव में कौन हो। अब इस जन्म में वो प्रैक्टिकल अनुभव होगा कि अगले जन्म में होगा कि 10 जन्म बाद होगा, वो एक अलग चीज है, लेकिन बीजारोपण हो गया। पहले तो यही है कि हमें पता ही नहीं है कि हम कौन है, कम से कम उस अज्ञानता से तो बाहर आ गए। तो छह अध्याय प्रथम हमने जो पढ़े, प्रथम छह अध्याय आत्म तत्व के ऊपर है कि जीव वास्तव में कौन है, वास्तव में उसका स्वरूप क्या है। तो हम सभी का वास्तविक स्वरूप क्या है, कौन बताएगा? कोई हमारे बीच में भक्त या माता कोई बताएंगी, हम सब हमारा वास्तविक स्वरूप क्या है? हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। आत्मा हमारा वास्तविक स्वरूप है। जी बिल्कुल, हम सभी का वास्तविक स्वरूप क्या है? हम सभी आत्मा है, हमें शरीर नहीं है। हम वो चीज नहीं है जो हम शीशे में आईने में देख रहे हैं अपने को। तो यह है प्रथम छह अध्याय का मूल ज्ञान। अब आत्म ज्ञान होने के बाद भगवान ने अलग अलग तरीके से ज्ञान दिया, अलग अलग योगों के बारे में बताया। सातवें अध्याय पे भगवान ने से सातवें अध्याय से लेके 12वां अध्याय जो है ये भगवान कौन है इसके बारे में चर्चा है। पहले तो प्रथम छह अध्याय किस बारे में चर्चा थी कि मैं कौन हूँ, मैं आत्मा हूँ, मुझे पता लग गया। अब 7 से लेके 12 अध्याय में भगवान कौन है इसकी चर्चा हो रही है। तो भगवान, कई लोगों के मन में बहुत सारे संशय हैं, कुछ बोलते हैं भगवान निराकार है, भगवान साकार है, भगवान दुर्गा जी हैं, भगवान गणेश जी हैं, भगवान शिव जी हैं। लेकिन भगवान अगर किसी को हमें संज्ञा देनी है तो किसको भगवान कहें इसके बारे में चर्चा है। तो 7वें अध्याय में हमने पढ़ा कि प्रश्न ये है आपके लिए कि भगवान ने इस ज्ञान को दुर्लभ मतलब क्या कह के बताया। ये जो ज्ञान हम ले रहे हैं भगवद गीता का, ये बहुत दुर्लभ ज्ञान है। ये भगवान ने क्या कहा था अर्जुन को ये बताते हुए कि ज्ञान दुर्लभ है। किसी को ध्यान है? इतना दुर्लभ ज्ञान है कि ये हर किसी के बस की बात नहीं है समझना भगवद गीता को या भगवद गीता ज्ञान को। और ये भगवान ने भी संबोधित किया था एक श्लोक में, क्या आप सभी को मेरी आवाज आ रही है? अभी यानी वो बीच में लॉस्ट हो गया था। हाँ, पता नहीं क्या एकदम से लॉस्ट हो गया ब्रो। लेकिन मेरा प्रश्न आप सभी ने सुन लिया था? चलिए प्रश्न में दोबारा रिपीट करता हूँ। इस श्लोक के इस अध्याय के प्रारंभ में, 7वें अध्याय के प्रारंभ में भगवान ने कहा था कि ज्ञान दुर्लभ है। क्यों कहा था भगवान ने दुर्लभ ज्ञान? क्यों आत्म तत्व के ज्ञान को, या अब तक हमने जो 7 अध्याय पढ़े या पूरी भगवद गीता को दुर्लभ कहा गया है? एनी भक्त, एनी माता जिनको ज्ञान, जिनको थोड़ा बहुत समझ में आया हो। प्रभु जी, हरे कृष्ण। दुर्लभ इसलिए कहा गया है क्योंकि यह ज्ञान सबके लिए समझना मुश्किल है। जैसा कि हमने पहले पढ़ा था कि 4 तरह के मनुष्य हैं जो ये ज्ञान कभी नहीं समझ पाते हैं, जो कि मूर्ख है, मायावादी है, और जो शायद मतलब टेररिस्ट है, और एक और आपने बताया था, और तो उन्हें ये बात समझ नहीं आती, तो इसलिए उन्हें ये ज्ञान प्राप्त नहीं हो सकता। जी,
और इसीलिए इसे दुर्लभ बताया गया क्योंकि बहुत कमी है जो, और जो दूसरे चार तरह के आपने बताए थे जिसमें ज्ञानी, जिज्ञासु और जिसे शारीरिक कष्ट है या जिसे धन का कष्ट है, सिर्फ इन्हें ही ज्ञान की मतलब इन्हें ही समझ आता है ये ज्ञान, क्योंकि ये इनका भी एक हेतु है या जो ज्ञानी है उसका हेतु नहीं है, इसलिए तो सब सबके लिए जानना इसलिए दुर्लभ है क्योंकि कोई ना कोई किसी ना किसी चीज में फंसा है और ऐसे बहुत ही कम परसेंटेज है जो ये समझ पाते हैं। जी माता जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अच्छा प्रयास किया। भगवान कृष्ण ने इस अध्याय के प्रारंभ में ही बोल दिया था, मनुष्यानाम सहस्त्रेषु, हजारों मनुष्यों में से कोई एक व्यक्ति, कई हजार मनुष्यों में से कोई एक सिद्धि के लिए प्रयत्नशील होता है और इस तरह सिद्धि प्राप्त करने वालों में विरला ही कोई वास्तव में मुझे जान पाता है। तो इट्स नॉट इजी प्रोसेस। ये ऐसा मत समझिए कि भगवत गीता पढ़ ली हमने, उठा गए हम समझ गए, इतना सरल नहीं है। इसको आत्मसात करना, जीवन में डालना, जैसे माता जी ने बोला कि चार प्रकार हम समझेंगे, वो मेरे प्रश्न भी थे कि कौन व्यक्ति समझ पाते हैं नहीं, लेकिन उनका उत्तर से मिल ही गया पहले ही हमें। तो भगवान भले ही समझा रहे हैं ज्ञान अर्जुन को, लेकिन साथ साथ ये भी डिस्क्लेमर दे रहे हैं कि डोंट कंसिडर इट एज ए सिंपल प्रोसेस, ये इतना सरल नहीं है। सहस्त्रों मनुष्यों में से कोई एक व्यक्ति इस सिद्धि के लिए, सिद्धि अर्थात इस ज्ञान को समझने में पारंगत होगा, जो ये ज्ञान भगवान बता रहे हैं भगवद गीता का ज्ञान, हजारों मनुष्यों में से कोई एक व्यक्ति समझ पाएगा कि ध्यान लगाने से किसी व्यक्ति में अटैचमेंट पैदा होती है, अटैचमेंट से लस्ट पैदा होता है, लस्ट से एंगर पैदा होता है, एंगर से स्मृति विभ्रम इल्यूजन होता है, इल्यूजन से स्मृति विभ्रम, स्मृति विभ्रम से बुद्धि नाश, और बुद्धि नाश से फिर से मटेरियल पूल में आके गिर जाते हैं हम। ऐसे हजारों में से कोई एक व्यक्ति होगा जो इस चीज को समझ पाएगा, और जिसने इन बातों को समझ लिया है, वैसे समझे हुए भी जब हजार हो जाएंगे तो भगवान क्या बोल रहे हैं, इस तरह सिद्धि प्राप्त करने वालों में से विरला ही कोई मुझे जान पाता है। तो इतना जबरदस्त फिल्टर्ड प्रोसेस है ये, फिल्टरिंग होते होते छनते 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 जब बचता हुआ कोई एक एक इंसान बचता है, उसको असल में समझ में आता है कि चल क्या रहा है। तो इसलिए सरल प्रोसेस नहीं है, लेकिन इसका मतलब क्या छोड़ दे, नहीं, भगवान ने आई नहीं समझाया। भगवान ने फिर भी क्या बोला कि चार प्रकार के मनुष्य मेरी शरण ग्रहण करते हैं। कौन कौन से मनुष्य मेरी शरण ग्रहण करते हैं, कौन कौन से मनुष्य मेरी शरण ग्रहण नहीं करते, तो जो चार प्रकार के व्यक्ति भगवान की शरण ग्रहण करते हैं वो है आर्थ अर्थार्थी ज्ञानी तथा जिज्ञासु। आर्थ अर्थात जिसको कोई दुख है, अपने शरीर संबंधी दुख है या बीमारी है, वो भगवान की शरण में जाएगा। अर्थार्थी जिसे पैसे की कामना है, कुछ चाहिए उस जीवन में, वो भगवान की शरण लेगा। ज्ञानी जिसे जो ज्ञान में पारंगत है, जिसको पता लग गया है कि वास्तव में सही क्या है गलत क्या है, भगवद गीता ज्ञान को समझ चुका है, वो भगवान की शरण लेगा। और जिज्ञासु जो कि जिज्ञासा कर जानना चाहता है संसार कैसे काम कर रहा है, कैसे लोग क्यों जन्म लेते हैं, क्यों मर जाते हैं, क्यों बीमारी लगती है, क्यों कोई मनुष्य बन के पैदा होता है, कोई कीट पतंग बन के पैदा होता है, तो जिज्ञासु प्रवृत्ति के व्यक्ति भगवान बताए ज्ञान को समझते हैं। और चार प्रकार के व्यक्ति कभी भी इस ज्ञान को नहीं समझते, कभी भी भगवान की शरण ग्रहण नहीं लेते। वो चार प्रकार के व्यक्ति कौन से हैं? सबसे पहला व्यक्ति मूढ़ा, मूढ़ा अर्थात निपट मूर्ख, जिसको समझ ही नहीं है, जिसको समझ ही नहीं आ रहा चल क्या रहा है। भगवान पूरी रामायण होने के बाद भी जो पूछता है कि सीता माता जी कौन थी, जो निपट मूर्ख है, जिसको नहीं पता है कि क्या चला, क्या समझाया गया, क्या सब्जेक्ट मैटर था, वो कभी भगवान की शरण ग्रहण नहीं लेगा। दूसरे प्रकार का व्यक्ति वह है नराधम, जो नरों में अधम है। नरों में अधम अर्थात टेररिस्ट, जैसे माता जी ने बोला टेररिस्ट लोग, जिन दूसरों को मारने में ही सुख मिलता है, दूसरों को कष्ट देने में सुख मिलता है, नरों में अधम है बिल्कुल एकदम निकृष्ट, वह व्यक्ति कभी भगवान की शरण ग्रहण नहीं करेगा। तीसरा व्यक्ति कौन भगवान की शरण ग्रहण नहीं करेगा? माया अपरत ज्ञानी, जिसका ज्ञान माया ने हर लिया है। माया देवी द्वारा हरने ज्ञान अर्थात क्या होता है कि जो संसार दृश्य जगत है इसी को ही सच माने बैठा है, बस यही है जो है सब कुछ,
इसी में मैं खूब पैसा कमा के खूब अपना बैंक बैलेंस इकट्ठा कर लूंगा तो मैं सुखी रहूंगा, मेरा परिवार सुखी रहेगा, इसके पढ़कर कोई सुख नहीं है। तो संसार के मोह चकाचौन से जो विचलित हो गया है वो माया प्रज्ञानी, वो कभी भगवान के बारे में सुनेगा नहीं, उसे सिर्फ यही संसार ही सब कुछ दिखेगा, बाकी सब झूठ बकवास दिखेगी उसे। और चौथा प्रकार का व्यक्ति है आसुरिम भाविम आश्रितः, जिसकी भावना जो है असुरों जैसी है, असुर प्रवृत्ति का व्यक्ति है। तो असुर प्रवृत्ति के व्यक्ति कौन होते हैं? जो दूसरों को निराद मार के खाने की प्रवृत्ति, असुरों की क्या प्रवृत्ति थी? लोगों को मार के खाना। ऐसी जो असुर है जो कि जीव हत्या करते हैं सिर्फ जवान के स्वाद के लिए, उनको बोला जाए भगवान की भक्ति करो, कभी नहीं करेंगे, भले क्योंकि मीट मांस मच्छी अंडा छोड़ना पड़ेगा। वैसी भावना बन गई है, कठोर हृदय हो गया है। जीवों को मार मार के खाने से हृदय इतना कठोर हो जाता है कि फिर भगवान उसमें विराजित नहीं हो पाते। क्योंकि भगवान कृष्ण कौन है? कोमलांग, एकदम कोमलांगों वाले हैं, का शारीरिक कांति और शारीरिक वर्ण उनका एकदम कोमल, बहुत ही कोमल प्रवृत्ति, कमल के पुष्प के समान। कठोर हृदय में कभी उनका वास नहीं हो पाएगा। उनको अपने हृदय में अगर आपको वास कराना है तो अपने हृदय को निर्मल और कोमल बनाना पड़ेगा। कैसे? दूसरों के प्रति ईर्ष्या खत्म करके सद्भावना रखे, सिंपैथी रखे, कंपैशनेट, बीइंग कंपैशनेट। इसलिए कंपैशन लोग कहते हैं कि कंपैशन रखने से क्या होगा, दूसरों के दया भाव रखने से क्या होगा कि हमारा हृदय भगवान को विराजित करने लायक कोमल बनता है। तो ये चार प्रकार के व्यक्ति भगवान ने बताया जो शरण ग्रहण करते हैं, और चार प्रकार के व्यक्ति शरण ग्रहण नहीं करते। 15वां और 16वां अध्याय चैप्टर श्लोक वही था, जो निपट मूर्ख है, जो मनुष्यों में अधम है, जिनके ज्ञान माया द्वारा हर लिया गया है, जो असुरों में नास्तिक प्रकृति धारण करने वाले हैं, ऐसे दुष्ट मेरी शरण ग्रहण कभी नहीं करते। लेकिन ये चार प्रकार के व्यक्ति 16वें भगवान ने श्लोक में बताया कि भगवान की शरण ग्रहण करते हैं, उनकी सेवा करते हैं, अर्थ जिज्ञासु अर्थार्थी और ज्ञानी, हम डिस्कस कर चुके हैं। फिर भगवान ने बताया बलवानों का बल मैं हूँ। अब ये मैं जो भगवान कर रहा है, मैं ये हूँ, तो इसका मतलब ये नहीं हमें समझना चाहिए कि भगवान डिक्टेटर है, हमने पहले ही समझा था, क्योंकि भगवान के अलावा कोई इन बातों को क्लेम नहीं कर सकता कि मैं ही सर्वोपरि हूँ, मैं ही जल का स्वाद हूँ, मैं ही बलवानों का बल हूँ, मैं ही पौरुषवान व्यक्तियों का पौरुष हूं। ये वही बोल सकते हैं जो वास्तव में है, कोई और नहीं बोल सकता। तो वो भगवान ने इस प्रकार, एक कंपनी का सीईओ ही एक ऐसा व्यक्ति है जो अपने आप को सीईओ बोल सकता है, उस कंपनी का क्लर्क, कर्मचारी, रिसेप्शनिस्ट अपने आप को सीईओ बोलने कभी भूल नहीं करेंगे। तो भगवान के अलावा किसी और में क्षमता नहीं, इसलिए भगवान यहाँ बोल रहे हैं। इससे ये नहीं समझना चाहिए कि वो डिक्टेटर हैं, घमंडी हैं, अपना गुणगान खुद अपने मुंह से कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। फिर भगवान ने आगे क्या बताया कि इतने सारे देवी देवता हैं, इन सभी देवी देवताओं में, देवी देवताओं का जो चर्चा चली थी उसमें भगवान ने बताया कि जो भी देवी देवता किसी व्यक्ति का अगर वो करते हैं, इच्छा पूर्ति करते हैं, तो उसमें भी भगवान कृष्ण की इच्छा होती है। उस किस इष्ट के प्रति कौन सी भाव आपके जागृत हुआ, उस भाव में आपको बैठाने वाले भी भगवान कृष्ण ही है। अगर कोई दुर्गा माता को बहुत मानता है, वही सब कुछ है उनके लिए, तो दुर्गा माता के प्रति समर्पण का भाव जो आपके हृदय में पैदा कराया है वो भगवान कृष्ण ने कराया है, वो हमने समझा था इस श्लोक इस अध्याय में। कोई शिव जी का बहुत बड़ा उपासक है, तो शिव जी के प्रति जो आपके मन में भाव पैदा हुए, जो समर्पण भाव पैदा हुआ कि आप शिव जी के अलावा किसी और को ना देखना चाहते हैं ना सुनना चाहते हैं, वही आपके लिए इष्ट है, वही आपके लिए सर्वोपरि है, तो ऐसी भावना पैदा करने वाले भी भगवान कृष्ण है। तो किसी देवी देवता के प्रति अगर हमारे अंदर कोई भाव पैदा होते हैं और उसमें हमारी आसक्ति होती है, तो वो भी पैदा करने वाले भगवान कृष्ण है। तो ये जो श्लोक शुरू किया है, मैं प्रत्येक जीव के हृदय में परमात्मा रूप में स्थित हूँ, ऐसा भगवान कैसे कर पाते हैं? क्योंकि वो आपके हृदय में परमात्मा रूप में बैठे हुए हैं कृष्ण।
कृष्ण परमात्मा रूप में हम सभी के हृदय में विराजित हैं। वो जानते हैं आप इस समय क्या सोच रहे हैं, वो जानते हैं मैं क्या सोच के बोल रहा हूँ, वो जानते हैं सबके हृदय में क्या चल रहा है। तो भगवान वही वर्णन कर रहे हैं 21वें श्लोक में, मैं प्रत्येक जीव के हृदय में परमात्मा रूप में स्थित हूँ। जैसे ही कोई किसी देवता की पूजा करने की इच्छा करता है, मैं उसकी श्रद्धा उसमें स्थिर कर देता हूँ, जिससे वह उसी विशेष देवता की भक्ति कर सके। तो उस विशेष देवता की भक्ति करने लायक हम सोचते हैं कि शिव बड़े हैं, कृष्ण को हम नहीं मानते। अरे उन शिव जी के प्रति जो भाव आपके अंदर पैदा करे वो भी कृष्ण ही करे। तो इन बातों को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये सही रूप से अगर हम नहीं समझेंगे तो हम ये मूर्तापूर्ण बातों में लग जाएंगे कि शिव बड़े हैं, कृष्ण बड़े हैं, राम बड़े हैं, दुर्गा जी बड़ी हैं, देवी, कौन बड़ा कौन छोटा, कोई ये हम जीवों के बस की बात नहीं है समझाना। हम जिस किसी देवी देवता को मानते हैं उनके प्रति इष्ट भाव रखते हैं, तो श्रद्धा पूर्वक उनकी तरफ इष्ट भाव रखें। और ये देखिए, ये भगवद गीता के अनुसार हमें क्या पता लग रहा है कि अगर हम गणपति को मानते हैं या शिव जी को मानते हैं, दुर्गा जी को मानते हैं, तो उनके प्रति जो हमारे अंदर आसक्ति पैदा हुई वो पैदा करने वाले भी कृष्ण थे। क्यों? क्योंकि उन्होंने देखा हमारे अंदर उन देवी देवता विशेष के प्रति एक भाव है, सेवा भाव है, तो उस भाव में हमें उन्होंने स्थापित कर दिया, हमें डिस्टर्ब नहीं किया, जबरदस्ती ये नहीं कहलवाया कि नहीं वो छोड़ दो उनको, मेरी पूजा करो, ऐसा नहीं कहा भगवान कृष्ण ने कहीं भी। ऐसी श्रद्धा से समन्वित वह देवता विशेष की पूजा करने का यत्न करता है और अपनी इच्छा की पूर्ति करता है, किंतु वास्तविकता तो यह है कि सारे लाभ केवल मेरे द्वारा ही प्रदत्त है। तो सब कुछ देने दाने वाले भगवान कृष्ण ही है। तो अंत में आते आते इस चैप्टर में हमने समझा था कि चाहे कोई देवी देवता से मांगे कुछ या स्वयं सीधा भगवान कृष्ण से मांगे, उस प्रकार हमारी इच्छा को पूर्ण करने वाले, किसी प्रकार की भी इच्छा पूर्ति हम चाहते हैं किसी देवी देवता से, उसकी एक्चुअल में इच्छा पूर्ति भगवान कृष्ण ही करते हैं। किसी देवी देवता में खुद में सामर्थ्य नहीं कि वो अपनी इच्छा से आपकी कोई इच्छा पूर्ति कर सके। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं कि देवी देवताओं की आप उपासना, उनको सम्मान करना छोड़ दें। अरे ये तो शिव जी है, इनको कौन प्रणाम करे, कृष्ण बड़े हैं। अरे ये तो दुर्गा जी है, इनको अब थोड़ी प्रणाम करेगा, तो हमें पता लग गया है कृष्ण करने वाले हैं, ऐसा नहीं है, वो अपराध हो जाएगा। समस्त देवी देवताओं का सम्मान करना है, समस्त देवी देवताओं को आगे नमन करना है, उनकी पूजा करनी, उनको नमस्कार करना है, लेकिन शरण सिर्फ कृष्ण की लेनी है, सिर्फ कृष्ण की शरण में रहकर जीवन बिताना है। ये बात आप ध्यान रखें, शास्त्र उसकी अनुमति देता है हमें कि हमें शरण सिर्फ कृष्ण मुरारी की लेनी है, उनके अंतर्गत रह के जैसा उन्होंने जीवन जीने को बोला है वैसा जीवन जीने का प्रयास करना है, सम्मान सभी देवी देवताओं का करना है। और अंत में भगवान कहते हैं कि जो व्यक्ति इस चैप्टर में, जो व्यक्ति वास्तव में जन्म मृत्यु के चक्कर से छूटना चाहता है, जो मुक्ति पद को प्राप्त करना चाहता है, उसे भगवान कृष्ण की शरण में जाना ही पड़ेगा, क्योंकि उन्हीं वही मुक्ति प्रदाता है, वही मुक्ति के देने वाले हैं, देवता है, और किसी देवी देवता में इतना सामर्थ्य नहीं कि आपको मुक्ति दे सके। कितने कितने सारे एग्जाम्पल है, देखिए हिरण्यकश्यप जो भगवान, जो कि प्रहलाद जी के पिता थे, उन्होंने ब्रह्मा जी से अमरता का वरदान मांगा, मुझे अमर बना दो, मुझे मुक्त कर दो। ब्रह्मा जी का मेरे पास ही नहीं है मुक्ति का, मैं खुद विष्णु जी का उपासना करता हूँ ताकि मुझे एक दिन वैकुंठ लोक प्राप्ति हो जाए। तो उसने इनडायरेक्ट तरीके से मांगा, ना मैं दिन न मरूं, ना रात न मरूं, ना दिन न घर के बाहर मरूं, ना घर के अंदर मरूं, ना पृथ्वी में मरूं, ना आसमान में मरूं। तो अपनी बुद्धि लगाई उसने, लेकिन उस बुद्धि को भी भगवान ने न्यूट्रलाइज कर दिया, एक ऐसा योनि निकाल दी जो कि ब्रह्मा जी की सृष्टि में है ही नहीं, आधा सिंह आधा मनुष्य। तो कहने का अर्थ यह है कि देवी देवताओं के हाथ में भी मुक्ति देना नहीं है, मुक्ति देने वाले कौन है, सिर्फ कृष्ण है, विष्णु है, विष्णु और कृष्ण एक ही है, कोई अंतर नहीं है। किसी उनकी शरण जब तक हम नहीं लेंगे, वही भगवान ने, इन्होंने यहाँ बताया, जिन मनुष्यों ने पूर्व जन्म में जो जरा तथा मृत्यु से मुक्ति पाने के लिए यत्नशील रहते हैं, वे बुद्धिमान व्यक्ति मेरी भक्ति की शरण ग्रहण करते हैं, वे वास्तव में ब्रह्म है, क्योंकि वे दिव्य कर्मों के विषय में पूरी तरह से जानते हैं। तो अगर वास्तव में मुक्ति अगर चाहिए तो शिव जी, तो विष्णु या कृष्ण की शरण में आपको जाना पड़ेगा। तो इस संवाद के साथ हमारा ये चैप्टर समाप्त हुआ था, और अगला चैप्टर जो है हमारा भगवद गीता चैप्टर है, जिसको आज हम प्रारंभ करने जा रहे हैं,
उसका शीर्षक है अटेनिंग, कैसे अब मुक्ति। अब भगवान ने प्रोसेस तो बता दिया कि मेरी शरण ग्रहण करो अगर मुक्ति चाहिए, तुम्हें मुझे प्राप्त करना है। अब इस चैप्टर में भगवान कैसे उनको प्राप्त किया जाए, भगवत प्राप्ति कैसे करी जाए, उसका शुभारंभ होने जा रहा है। तो ध्यान से सुने, हम 3-4 श्लोक आज लेंगे, और अगर आप सही प्रार्थना है कि आप भी पढ़ने का प्रयास करें, मैं तो 2-3 पढ़ूंगा ही, लेकिन ये भगवान की ही वाणी है, भगवान के मुख से निकले हुए श्लोक है ये, तो इनको अपने मुख से चाहे आप गलत से जैसे ही पढ़ें, पढ़ने का प्रयास जरूर करें। तो पहला श्लोक मैं पढ़ लेता हूं। अर्जुन वाच किम तद्ब्रह्म किम तद्ब्रह्म किम ध्यात्मम किम कर्म पुरुषोत्तमम अधिभूतम च किम प्रोक्ता मदीदैवम किमुच्यते। अर्जुन ने कहा, हे भगवान, हे पुरुषोत्तम, ब्रह्म क्या है, आत्मा क्या है, सकाम कर्म क्या है, ये भौतिक जगत क्या है, तथा देवता क्या है, कृपा करके ये सब मुझे बताइए। अब फिर से रिवीजन अर्जुन, क्योंकि आप धीरे धीरे वो उस स्थिति में आ गए हैं कि ज्ञान को समझ में आ रहा है। अर्जुन वास्तव में खुद बड़े बहुत बड़े ज्ञानी हैं, ऐसा नहीं कि मूर्ख हैं, लेकिन हम जीवों के मन में संशय हो इसलिए बार बार प्रश्न कर रहे हैं कृष्ण से। तात्पर्य शिला प्रभुपाद की जाए। इस अध्याय में भगवान कृष्ण अर्जुन के द्वारा पूछे गए ब्रह्म क्या है आदि प्रश्नों के उत्तर देते हैं। भगवान कर्म भक्ति तथा योग और शुद्ध भक्ति की भी व्याख्या करते हैं। श्रीमद् भागवत में कहा गया है कि परम सत्य ब्रह्म परमात्मा भगवान के नाम से जाना जाता है, साथ ही जीवात्मा या जीव को ब्रह्म भी कहते हैं। अर्जुन आत्मा के विषय में भी पूछता है, जिससे शरीर आत्मा तथा मन का बोध होता है। वैदिक कोश निरुक्ति के अनुसार आत्मा का अर्थ मन, आत्मा, शरीर तथा इंद्रियां भी होता है। अर्जुन ने परमेश्वर को पुरुषोत्तम या परम पुरुष कहकर संबोधित किया है, जिसका अर्थ यह होता है कि यह सारे प्रश्न अपने एक मित्र से नहीं अपितु परम पुरुष से उन्हें परम प्रणाम मानकर परम प्रमाण मानकर पूछ रहा था, जो निश्चित उत्तर दे सकते थे। तो अब मित्र वाला भाव तो चला गया है, अब अर्जुन भगवान कृष्ण के प्रति समर्पित है, उनको शरण में है और उनसे अब ये प्रश्न पूछ रहे हैं। देखिए, सारे ही प्रश्न बड़े इंपॉर्टेंट है। ब्रह्म क्या है, आत्मा क्या है, सकाम कर्म क्या है, ये भौतिक जगत क्या है, ये देवता क्या है, तो ये प्रश्न एक मनुष्य ही कर सकता है, कोई जीव नहीं कर सकता, कोई पशु नहीं कर सकता। और हमारे मन में प्रश्न नहीं आते हैं, क्यों? क्योंकि पहली बात तो हमें पता ही नहीं है, दूसरी बात हम शास्त्र अनुसार पशुवत जीवन जी रहे हैं, तो जिस प्रकार पशु के मन में प्रश्न नहीं आते, उसी प्रकार हमारे मन में भी प्रश्न नहीं आते कि ब्रह्म क्या है, परमात्मा कौन है, मैं कौन हूँ। वास्तव में हम सभी लोग क्या कर रहे हैं शास्त्र अनुसार, आहार निद्रा भय मैथुन चा मनुषा पशु नाम एक समाना, खाली खाना पीना सोना और इंद्रिय सुख, इन चीजों के पीछे पूरा जीवन बीत जाता है। 80 साल निकल जाते हैं, 100 साल निकल, 100 साल तो अब किसी की औसत ना हुई रह गई है, कोई कोई जीता है, लेकिन 60-70 साल सिर्फ क्या खाएं, कैसे जीवन जिए, किस प्रकार इंद्रिय सुख का भोग करें, कैसे डर के मारे अपना फ्यूचर डर के मारे प्रोटेक्शन करें, बस इसी चिंता फिक्र में उधेड़ बुन में पूरा जीवन निकल जाता है। कौन कृष्ण है, मैं कौन हूँ, ब्रह्म क्या है, परमात्मा कौन है, ये सारी बातें कभी हमारे जहन में नहीं आ पाती, जिस प्रकार एक पशु के जीवन में नहीं आती। लेकिन अर्जुन ये प्रश्न कर रहा है, क्यों? क्योंकि अर्जुन भक्त है, भगवान कृष्ण की शरण में है, तो हमें अर्जुन के पथ का अनुसरण करना है। दूसरा अध्याय, दूसरा श्लोक कोई पढ़ना चाहेगा? नहीं, पढ़िए जी, पढ़िए। अधियज्ञ कथम तो अत्र देहे अस्मिन् मधुसूदन प्रयाण काले च कथम गेयो असि नियतात्म भी। हे मधुसूदन, यज्ञ का स्वामी कौन है और वह शरीर में कैसे रहता है, और मृत्यु के समय भक्ति में लगे रहने वाले आपको कैसे जान पाते हैं? पर से लप्रपात कीजिए। अधियज्ञ का तात्पर्य इंद्र या विष्णु हो सकता है। विष्णु समस्त देवताओं में, जिनमें ब्रह्मा तथा शिव सम्मिलित हैं, प्रधान देवता हैं,
और इंद्र प्रशासक देवताओं में प्रधान है। इंद्र तथा विष्णु दोनों की पूजा यज्ञ द्वारा की जाती है, किंतु अर्जुन प्रश्न करता है कि वस्तुतः यज्ञ का स्वामी कौन है और भगवान किस तरह जीव के शरीर के भीतर निवास करते हैं। अर्जुन ने भगवान को मधुसूदन कहकर संबोधित किया, क्योंकि कृष्ण ने एक बार मधु नामक असुर का वध किया था। वस्तुतः ये सारे प्रश्न जो शंका के रूप में हैं, अर्जुन के मन में नहीं उठने चाहिए थे, क्योंकि अर्जुन एक कृष्ण भावना भावित भक्त था। अतः ये सारी शंकाएं असुरों के सदृश हैं। चूंकि कृष्ण असुरों के मारने में सिद्ध हस्त थे, अतः अर्जुन उन्हें मधुसूदन कहकर संबोधित करता है, जिससे कृष्ण उसके मन में उठने वाली समस्त आसुरी शंकाओं को नष्ट कर दें। इस श्लोक का प्रयाण काले शब्द भी अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि अपने जीवन में हम जो भी करते हैं उसकी परीक्षा मृत्यु के समय होनी है। अर्जुन उन लोगों के विषय में जो निरंतर कृष्ण भावनामृत में लगे रहते हैं, यह जानने के लिए अत्यंत इच्छुक हैं कि अंत समय उनकी दशा क्या होगी। मृत्यु के समय शरीर के सारे कार्य रुक जाते हैं और मन सही दशा में नहीं रहता। इस प्रकार शारीरिक स्थिति बिगड़ जाने से हो सकता है कि मनुष्य परमेश्वर का स्मरण न कर सके। परम भक्त महाराज कुलशेखर प्रार्थना करते हैं, हे भगवान, इस समय अच्छा हो कि मेरी मृत्यु इसी समय हो जाए, जिससे मेरा मन रूपी हंस आपके चरण कमलों रूपी नाल के भीतर। यह रूपक इसलिए प्रयुक्त किया गया है क्योंकि हंस जो जल पक्षी है, वह कमल के पुष्पों को कुतरने में आनंद का अनुभव करता है। इस तरह कमल पुष्प के भीतर प्रवेश करना चाहता है। महाराज कुलशेखर भगवान से कहते हैं, इस समय मेरा मन स्वस्थ है और मैं पूरी तरह स्वस्थ हूँ। यदि मैं आपके चरण कमलों का नाते हुए तुरंत मर जाऊं, तो मुझे विश्वास है कि आपके प्रति मेरी भक्ति पूर्ण हो जाएगी। किंतु यदि मुझे अपनी सहज मृत्यु की प्रतीक्षा करनी पड़ी, तो मैं नहीं जानता कि क्या होगा, क्योंकि उस समय मेरा शरीर कार्य करना, मेरा गला रुध जाएगा, नहीं कि मैं आपके नाम का जप कर पाऊंगा या नहीं। अच्छा यही होगा कि मुझे तुरंत मर जाने दें। अर्जुन प्रश्न करता है कि ऐसे समय मनुष्य किस तरह कृष्ण के चरण कमलों में अपने मन को स्थित कर सकता है। बहुत धन्यवाद प्रभु। तो सीधी सी बात है, जिस प्रकार की भावना मृत्यु के समय होगी, वैसा शरीर अगला मिल जाएगा। आप चाहें या ना चाहें, आप इस बात को सच माने या ना माने, शास्त्र इसका वर्णन कर रहा है। यही हमारे अगले जीवन की शुरुआत होती है और सभी की परीक्षा। इसको परीक्षा बोला गया है, मृत्यु के समय परीक्षा है। अब ये देखिए, नॉर्मल परीक्षा में इंसान परीक्षा का नाम सुन के घबरा जाता है। अब ऐसी परीक्षा जिसमें हमारा शरीर ही हमारा साथ नहीं दे रहा है, ना बुद्धि काम कर रही है, कोमा में कोई चला गया तो फिर तो बिल्कुल ही ना सोच पाएगा ना कुछ कर पाएगा। क्या होगा उस समय, कैसे भगवान का चिंतन होगा? इसलिए महाराज कुलशेखर का यहाँ पर एग्जाम्पल है। कुलशेखर महाराज ने बहुत सुंदर मन समा दिया कि भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि इस समय मैं बिल्कुल ध्यान में हूँ, मेरा बुद्धि सही काम कर रही है, मेरे इंद्रियां सही तरीके से स्ट्रांग हैं, मेरा शरीर मेरे साथ दे रहा है, तो इस समय मेरा ध्यान पुत्र आप में लग जाए। लेकिन ये जो चीज है, ये आम इंसान पर लागू नहीं होती। कुलशेखर भगवान कृष्ण के बहुत बड़े भक्त हैं और उनकी कृपा से ये उन्होंने संवाद बताया है कि किस प्रकार से हम अपने ध्यान को भगवान में लगा सकते हैं। आम इंसान की विचारधारा को ध्यान में रखते हुए अर्जुन ये प्रश्न कर रहा है। ये यहाँ पे ये भी बढ़ रहा है कि अर्जुन जी साधारण व्यक्ति नहीं थे, वो कृष्ण भक्त थे, उनको इन सब प्रश्नों के उत्तर पहले से पता है। लेकिन हम साधारण जीवों के कल्याण के हेतु उन्होंने प्रश्न किए भगवान कृष्ण से, कि जो अपने जीवन भर भगवान का जिसने भजन नहीं किया, जिसने जीवन भर अपना ऐसे ही निकाल दिया घर गृहस्थी में या ऑफिस या सामाजिक कार्यों में या अलग और दूसरे कार्यों में, जो बहुत अत्यधिक व्यस्त था इन सभी कार्यों करने में, अब मृत्यु समय आ गई है, तो अब इस समय अपना कैसे कल्याण कर पाएगा, वो प्रश्न यहाँ पे कर रहे हैं। पढ़ना चाहेगा अगला श्लोक? कोई नहीं तो मैं पढ़ता हूं। श्री भगवान उवाच
अक्षरम ब्रह्म परम स्वभावो अध्यात्म मुच्यते भूत भावो भूत भावो करो विसर्ग कर्म संगति। भगवान ने कहा अविनाशी और दिव्य जीव ब्रह्म कहलाता है और उसका नित्य स्वभाव अध्यात्म या आत्म कहलाता है। जीवों के भौतिक शरीर से संबंधित गतिविधि कर्म या सकाम कर्म कहलाती है। अब धीरे धीरे करके भगवान उत्तर दे रहे हैं, तात्पर्य श्रील प्रभुपाद की जय। ब्रह्म अविनाशी तथा नित्य और इसका विधान कभी भी नहीं बदलता, किंतु ब्रह्म से परे परब्रह्म होता है। ब्रह्म का अर्थ है जीव और परब्रह्म का अर्थ है भगवान। जीव का स्वरूप भौतिक जगत में उसकी स्थिति से भिन्न होता है। भौतिक चेतना में उसका स्वभाव पदार्थ पर प्रभुत्व जताना है, किंतु आध्यात्मिक चेतना या कृष्ण भावनामृत में उसकी स्थिति परमेश्वर की सेवा करना है। जब जीव भौतिक चेतना में होता है तो उसे इस संसार में विभिन्न प्रकार के शरीर धारण करने पड़ते हैं। यह भौतिक चेतना के कारण कर्म तथा विविध सृष्टि कहलाता है। वैदिक साहित्य में जीव को जीवात्मा या ब्रह्म कहा जाता है, किंतु उसे कभी परब्रह्म नहीं कहा जाता। जीवात्मा विभिन्न स्थितियां ग्रहण करता है, कभी वह अंधकार पूर्ण भौतिक प्रकृति में मिल जाता है और पदार्थ को अपना स्वरूप मान लेता है, तो कभी वह पराध्यात्मिक प्रकृति के साथ मिल जाता है, इसलिए वह परमेश्वर की तटस्थ शक्ति कहलाता है। भौतिक या आध्यात्मिक प्रकृति के साथ अपनी पहचान के अनुसार ही उसे भौतिक या आध्यात्मिक शरीर प्राप्त होते हैं। भौतिक प्रकृति में वह 84 लाख योनियों में से कोई भी शरीर धारण कर सकता है, किंतु आध्यात्मिक प्रकृति में उसका एक ही शरीर होता है। भौतिक प्रकृति में वह अपने कर्म अनुसार कभी मनुष्य रूप में प्रकट होता है तो कभी देवता पशु पक्षी आदि के रूप में प्रकट होता है। स्वर्ग लोक की प्राप्ति तथा वहां का सुख भोगने की इच्छा से वह कभी कभी यज्ञ संपन्न करता है, किंतु जब उसका पुण्य क्षीण हो जाता है तो वह पुनः मनुष्य रूप में पृथ्वी पर वापस आ जाता है। यह प्रक्रिया कर्म कहलाती है। तो स्वर्ग लोक हम लोग सोचते हैं पहुंच जाएंगे तो बस मिशन डन, बट मिशन वहां भी खत्म नहीं हुआ। स्वर्ग लोक में जैसे ही पुण्य क्षीण हुए, भले ही 1000 साल बाद हुए या 2000 साल बाद हुए, लेकिन एक दिन ऐसा आएगा कि हमारे पुण्य क्षीण हो जाएंगे और जब पुण्य क्षीण हो गए तो वापस पृथ्वी पर भेज दिया जाएगा संसार के जन्म मृत्यु के चक्कर को भोगने के लिए। तो इसलिए जो बुद्धिमान भक्त है भगवान का, वो स्वर्ग की प्राप्ति की इच्छा भी नहीं करता, क्योंकि वो भी टेम्पररी है, वहां भी मृत्यु है। वो ऐसी स्थान की प्राप्ति की इच्छा करता है जहां मृत्यु नहीं है, जहां दोबारा उसे मरना ना पड़े, जहां बीमारी ना लगे, और वह है वैकुंठ जगत। छांदों के उपनिषद में वैदिक यज्ञ अनुष्ठानों का वर्णन मिलता है। यज्ञ की वेदी में 5 अग्नियों को 5 प्रकार की आहुतियां दी जाती है। ये 5 अग्नियां स्वर्गलोक बादल पृथ्वी मनुष्य तथा स्त्री रूप में मानी जाती है, और श्रद्धा सोम वर्षा तथा वीर्य ये 5 प्रकार की आहुतियां हैं। यज्ञ प्रक्रिया में जीव अभिष्ट स्वर्गों की प्राप्ति के लिए विशेष यज्ञ करता है और उसे प्राप्त करता है। जब यज्ञ का पुण्य क्षीण हो जाता है तो वह पृथ्वी पर वर्षा के रूप में उतरता है और अन्न का रूप धारण करता है। इस अन्न को मनुष्य खाता है, जिससे वह वीर्य में परिणत हो जाता है, जो स्त्री के गर्भ में जाकर फिर से मनुष्य का रूप धारण करता है। यह मनुष्य पुनः यज्ञ करता है और पुनः वही चक्र चलता रहता है। इस प्रकार जीव शाश्वत रीति से आता और जाता रहता है, किंतु कृष्ण भावना भावित पुरुष ऐसे यज्ञों से दूर रहता है। वह सीधे कृष्ण भावनामृत ग्रहण करता है और इस प्रकार ईश्वर के पास वापस जाने की तैयारी करता है। तो कैसे हम बार बार जन्म ले रहे हैं मर रहे हैं, यहाँ पे चक्कर में यहाँ पे समझ में आ गया है। जो भी यज्ञ जब भी यज्ञ पुण्य जब भी कोई यज्ञ करता है तो स्वर्गलोक को प्राप्त करता है या उच्च लोगों की प्राप्ति करता है। वहां से जब पुण्य का क्षीण हुआ तो वर्षा के माध्यम से, जब वर्षा होती है किसी क्षेत्र में, जीवात्मा वर्षा की बूंदों के साथ मिलके पृथ्वी पर आता है और पृथ्वी पर आके अन्न में वास करता है। जहां कहीं भी खेती हो रही है, कहीं पर अन्न में गेहूं में, उस जीव का वास हो जाता है। और जब उस अन्न को कोई पुरुष खाता है तो वो जीव आत्मा उस पुरुष के अंदर प्रवेश करता है और फिर उसके वीर्य के माध्यम से स्त्री के गर्भ में पहुंचता है और वहां से फिर से प्रकट हो जाता है। तो ऐसे संसार चल रहा है भगवद गीता के अनुसार। इस प्रकार से शरीर गर्भ के अंदर शिशु पैदा होते हैं, शिशु आते हैं। तो प्रथम पहले वर्षा से स्वर्गलोक से उतर कर आए, फिर आगे प्रोसेस चला।
और ये चलता रहता है प्रोसेस, जीवन जिया, जन्म लेने के बाद जन्म लिया, फिर पूरा जीवन जीने के बाद अच्छे बुरे कर्म करे, अच्छे कर्म करे तो फिर से स्वर्ग पहुंच गए, बुरे कर्म करे तो नरक लोक पहुंच गए या निम्न लोकों की प्राप्ति कर ली। फिर वहां पे जैसे पुण्यक्षीण हुआ या अपने पाप कर्म की का कोटा हमारा समाप्त हुआ, फिर से पृथ्वी पर भेज दिया गया। तो पृथ्वी एक तरह का जंक्शन पॉइंट है, जैसे कि रेलवे जंक्शन होता है ना, ये रेलवे जंक्शन होता है, वहां पे सभी दिशाओं से आने वाली ट्रेनें मिलती हैं और फिर अपनी अपनी आगे की दिशा निर्धारित करती हैं कहाँ जाना है। उसी प्रकार से ये जो मनुष्य शरीर आपको और मुझे मिला हुआ है, ये एक जंक्शन पॉइंट है, ये एक अपॉर्चुनिटी है कि या तो हम नीचे गिर जाएं या हम भगवान की भक्ति करते हुए उच्च लोगों की प्राप्ति कर लें, फिर से संसार में ना आना पड़े। और वही यहाँ वर्णन आ रहा है कि कृष्ण भावना भावित पुरुष ऐसे यज्ञों से दूर रहता है, जो ये कर्म कांडी यज्ञ हैं, जो सकाम कर्म यज्ञ हैं, जो हमें स्वर्गलोक की प्राप्ति कर, जिनको स्वर्गलोक प्राप्त करना है, जिसको संसार का सुख भोगना है, इसके लिए जो यज्ञ आदि करते हैं, सुख भी मिलता है, स्वर्गलोक भी मिलता है, लेकिन परेशानी क्या है, इनमें एक लिमिट है, एक कोटा है, उतना लिमिट पूरा होने पर दोबारा से पृथ्वी पर भेज दिया जाएगा, क्योंकि यही जंक्शन पॉइंट है। अब फिर से मनुष्य को अपॉर्चुनिटी मिलती है कि वो भक्ति करे, भक्ति करके क्या बने, कृष्ण भावना भावित बन जाए, कृष्ण को अपनी भावनाओं में बसा ले, अपनी कॉन्शियसनेस को कृष्णमय बना ले। अगर कॉन्शियसनेस कृष्णमय बन जाएगी तो क्या होगा, वह सीधे कृष्ण भावनामृत को ग्रहण करेगा और इस प्रकार ईश्वर के पास जाने की तैयारी करेगा, सीधा कृष्ण लोक की प्राप्ति होगी। जब कृष्ण अगर भावना में बसे रहे, दोबारा से संसार में मरने के लिए नहीं आना पड़ेगा, क्योंकि कृष्ण लोक जाने के बाद, वैकुंठ लोक, गोलोक वृंदावन जाने के बाद दोबारा से संसार में नहीं आना पड़ता, लेकिन स्वर्ग लोक, ब्रह्म लोक की प्राप्ति होने तक भी हमें संसार में लौटना पड़ता है। तो भगवत गीता में निर्विशेषवादी भाष्यकार बिना कारण के ही, बिना कारण के कल्पना करते हैं कि इस जगत में ब्रह्म जीवन जीव का रूप धारण करता है और उसके समर्थन में गीता के 15वें अध्याय में 7 श्लोक उद्धृत करते हैं, किंतु इस श्लोक में भगवान जीव को मेरा शाश्वत अंश भी कहते हैं। भगवान का यह अंश जीव भले ही भौतिक जगत में आ गिरता है, किंतु परमेश्वर कभी नीचे नहीं गिरता, अतः वे विचार कि ब्रह्म जीव का रूप धारण करता है, ये ग्राह्य नहीं है, ग्राह्य नहीं है। ये स्मरण रखना होगा कि वैदिक साहित्य में ब्रह्म को परब्रह्म से पृथक माना जाता है। तो कहने का अर्थ क्या है, तो ये हमारा प्रोसेस है जो चलता आ रहा है कई जन्मों से। अभी जीवन मिला, इसको हमने अच्छे बुरे तरीके जैसे भी जिया, उसके अनुसार हमें अगला शरीर मिलेगा। उस शरीर में हमें, अगर हमने अच्छा कर्म किया तो स्वर्गलोक की प्राप्ति हो जाएगी। स्वर्गलोक की प्राप्ति भगवान क्यों कराते हैं, भगवान देखते हैं, शास्त्र आगे पढ़ेंगे, जिसको संसार से ही सुख चाहिए, संसार ही उसे सब कुछ दिखता है, जिसको भगवान की भक्ति से कोई लेना देना नहीं, बस अच्छे से मेहनत करके खूब पैसा कमाए, परिवार के बीच में सुखी रहे, सुखी परिवार, समृद्ध परिवार रहे, सबको खुशहाल देखें, सबको खुशी देखे, फिर पलायन करें संसार से, तो भगवान कहते हैं ये तो बहुत षडमंगुर सुख है, फिर पृथ्वी का ही सुख क्यों देख रहे हो। अगर तुम्हें भौतिक सुख ही चाहिए तो स्वर्ग लोक का सुख जो जाके भोगो। अगर भौतिक सुख की ही कल्पना करनी है तो वाई डोंट यू एंजॉय इन स्वर्ग लोक, जहां ना तो कोई बीमारी है, ना सुरापान करने से या मदरापान करने से कोई रोग होता है, ना आपको किसी प्रकार का कोई लिमिटेशन है, इंजॉय करो आप वहां पर जाके। अगर इंजॉयमेंट, संसार का इंजॉयमेंट करना है, शास्त्र पढ़े आप, ये सब वर्णन है शास्त्रों में कि आप अगर इंजॉयमेंट ही करना है तो वाई डोंट यू डू इंजॉयमेंट इन स्वर्ग लोक, वाई यू आर इन पृथ्वी लोक, वहां का इंजॉयमेंट करो। लेकिन क्या होगा, कहीं भी इंजॉयमेंट की भावना से आप जाएंगे, एंजॉयमेंट करना चाहेंगे तो उसका अंत है, एक दिन ऐसा आएगा कि आपका कोटा खत्म, दोबारा से पृथ्वी पर भेज दिया जाएगा। तो क्या एंजॉयमेंट करना हमारा अधिकार नहीं, हम एंजॉयमेंट ना करें, क्यों नहीं करें, यही तो हमारा परम सिद्ध अधिकार है। लेकिन हमारे साथ विडंबना क्या है, हम ये नहीं जानते कि एंजॉयमेंट कहते किसे। एंजॉयमेंट कहते हैं इंद्रियों को सुनना, गलत काम करना, वो एंजॉयमेंट नहीं है, उसे हम अपना ही शोषण कर रहे हैं। एक उस ऊंट की भांति, एक ऊंट है, ऊंट का सबसे प्रिय भोजन आप जानते हैं क्या है, रेगिस्तान में जो ऊंट है उसका सबसे प्रिय भोजन है कैक्टस, वो कैक्टस खाता है, उसको बड़ा सुख मिलता है, क्यों, क्योंकि कैक्टस खाने से उसका जबड़ा छिल जाता है और अपने ही खून को चूसता है फिर वो, और उसमें उसे स्वाद लगता है, उसे लग रहा है कि कैक्टस के पौधे से स्वाद आ रहा है। उसी प्रकार हम जीव क्या है,
हम संसार में भोगना चाहते हैं इंद्रियों के अनुसार, मन में जो आ रहा है उसको भोग ले बस, उसको भोगने से क्या होगा, अपना ही नुकसान कर बैठेंगे, अपना ही क्षति कर लेंगे। क्षति किस प्रकार होगी, सिगरेट पीना है, खूब सिगरेट पिए, चेन स्मोकर बन जाए एकदम, दिन में एक सिगरेट क्या 20-20 सिगरेट पियेंगे हम, क्योंकि इंजॉयमेंट चाहिए मुझे सिगरेट से, इंजॉयमेंट क्षण भर का भी नहीं मिलेगा, फेफड़े जला के बैठ जाएंगे अपने, तो अपने ही खून से अपना ही को कष्ट देते हुए सुख भोगते हैं, क्यों, क्योंकि बुद्धि सशक्त नहीं है। वही 62 श्लोक आ जाता है फिर से, इंजॉयमेंट कहाँ है, सेवा में। अब सेवा का अर्थ ये नहीं कि अरे सेवा करनी है तो हम के नौकर बन गए फिर सेवा करेंगे, सेवा करने से आनंद हमें मिलता है, लिटरली रूप से हम सेवा कर ही रहे हैं, हम जब तक ऑफिस जाके अपने मैनेजर की सेवा करके उसे खुश ना करते तब तक हमें खुशी नहीं मिलती है। अरे मेरा मैनेजर खुश है तो आज मैं भी खुश हूँ, किसी दिन मेरे मैनेजर ने मुझे टेढ़ी निजा से देख लिया या अपनी भ्रुकुटी तान दी मुझे देख के तो अपने मन में डाउट आता है, आज गुस्सा तो नहीं है मेरे से, आज कुछ को हो तो नहीं गया है, टेंशन में क्यों दिख रहा है, तो मेरे से तो कोई टेंशन नहीं है ऐसे। तो ये भावनाएं क्यों है हमारे मन में, क्यों, क्योंकि हम सुख देना चाहते हैं, सेवा करना चाहते हैं, लेकिन सेवा कहाँ करनी है वो हमें नहीं पता है, इसलिए इंद्रियों की सेवा, इस संसार में रहने वाले जीवों की सेवा कर रहे हैं, हमें कृष्ण की सेवा करके संतुष्टि मिलेगी उसका अनुभव नहीं है, वो अनुभव ज्ञान हमें भागवत गीता सिखा रही है, सेवा करनी ही है तो कृष्ण की सेवा करें, भगवान कृष्ण की सेवा करने से जो अनुभव होगा आपको वो संसार से परे का सुख है। तो आज हम लोग कथा को यही विराम देते हैं क्योंकि अगला श्लोक मुझे लग रहा है थोड़ा बड़ा है, या चलिए श्लोक और कंप्लीट कर लेते हैं फिर उसके बाद प्रश्न लेंगे, 4 श्लोक आज हमारे हो पाएंगे इस अध्याय से। अधिभूतम शरो भावा पुरुषाक्षादि देवतम अधि यज्ञो अहमेवात्र देहे देहा भ्रताम वरहा। हे देहधारियों में श्रेष्ठ, निरंतर परिवर्तनशील यह भौतिक प्रकृति अधिभूत भौतिक अभिव्यक्ति कहलाती है, भगवान का विराट रूप जिसमें सूर्य तथा चंद्र जैसे समस्त देवता सम्मिलित हैं आदि देव कहलाते हैं, तथा प्रत्येक देहधारी के हृदय में परमात्मा स्वरूप स्थित मैं परमेश्वर यज्ञ का स्वामी कहलाता हूँ। तो भगवान आगे व्याख्या कर रहे हैं कि वास्तव में उनका स्वरूप क्या है जीव के साथ, परमात्मा रूप में भगवान हम सभी के हृदय में विराजित है। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद की जय। ये भौतिक प्रकृति निरंतर परिवर्तित होती रहती है, सामान्यतः भौतिक शरीरों को 6 अवस्थाओं से निकलना होता है, वे उत्पन्न होते हैं, बढ़ते हैं, कुछ काल तक रहते हैं, कुछ गौण पदार्थ उत्पन्न करते हैं, क्षीण होते हैं और अंत में विलुप्त हो जाते हैं। और यही देखिए हमारे शरीर के साथ भी होता है, हम पहले पैदा होते हैं, उत्पन्न हो गए, फिर थोड़ी बढ़ोतरी हुई, बचपन से थोड़े बड़े, फिर कुछ काल तक उसी समय उसी बचपन में ही रहते हैं, प्रौढ़ा जवानी या कुमार अवस्था आने तक, फिर कुछ गौण पदार्थ उत्पन्न करते हैं, जब जवान हुए शादी विवाह हुआ तो फिर हमने संतान उत्पत्ति करी, क्षीण होते हैं संतान उत्पत्ति के बाद धीरे धीरे शरीर क्षीण होता है और क्षीण होने के समय अंत में विलुप्त हो जाते हैं। तो ये 6 अवस्थाएं समस्त जीवों के साथ होती है क्योंकि ये सांसारिक अवस्थाएं हैं, भौतिक शरीर की अवस्थाएं हैं। ये भौतिक प्रकृति अधिभूत कहलाती है, यह किसी निश्चित समय में उत्पन्न हो जाती है और किसी निश्चित समय में विनष्ट कर दी जाती है। परमेश्वर का विराट स्वरूप की धारणा जिसमें सारे देवता तथा उनके लोग सम्मिलित हैं आदि दैवत कहलाती है। प्रत्येक शरीर में आत्मा सहित परमात्मा का वास होता है जो भगवान कृष्ण का अंश स्वरूप है। तो इस समय आपके शरीर में, मेरे शरीर में 2 आत्माएं हैं, एक आत्मा तो आप स्वयं हैं जो शरीर को धारण करके बैठे हैं और दूसरी आत्मा जो है परमात्मा रूप में भगवान कृष्ण बैठे हैं आपके हृदय में, जो नित्य प्रति घटना देख रहे हैं कि ये जीव क्या काम कर रहा है, वो एक साक्षी की भांति हमारी समस्त गतिविधियों को देख रहे हैं, सभी के हृदय में बैठे हैं, ऐसा नहीं कि मेरे हृदय में बैठे, आपके हृदय में बैठे, आप माने या ना माने, भगवद गीता और शास्त्र इस बात का अनुमोदन कर रहा है और यही साक्षी बनेंगे फिर हमारे जो हमने जीवन भर क्या किया। यह परमेश्वर अधियज्ञ कहलाता है और हृदय में स्थित होता है। तो अब इनकी देखिए लोकेशन ही बता दी है, ये परमेश्वर जो है ये हृदय में स्थित है इस श्लोक में, प्रसंग में, इसलिए हृदय जो है वो सेंटर पॉइंट बताया गया है हमारे
शरीर का, जहां से सारी एनर्जी हमें मिलती है, क्योंकि परमेश्वर का वास ही हृदय में है। इस श्लोक के प्रसंग में एव शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इससे द्वारा भगवान बल देकर कहते हैं कि परमात्मा उनसे भिन्न नहीं है, परमात्मा ही भगवान है। ये परमात्मा प्रत्येक आत्मा के पास असीम है और आत्मा के कार्यकलापों का साक्षी है तथा आत्मा की विभिन्न चेतनाओं का उद्गम है। आप कितने ही इंटेलिजेंटली या चालाकी से किसी को मूर्ख क्यों ना बना दें, लेकिन परमात्मा रूप में भगवान जो हमारे हृदय में बैठे हैं वो हमारी असलियत जानते हैं कि ये वास्तव में कितना पानी में है। कितना ही मैं आपको ढोंगी बने में कैसे भी कोई भी आपको एग्जांपल देके ये ना, लेकिन वास्तव में मेरे हृदय में बैठे परमात्मा जानते हैं कि मैं कितना पानी में हूँ, मैं कितना बड़ा भक्त हूँ, मैं कितना बड़ा सारे नियमों का पालन करता हूँ। मुझे किसी को सबूत देने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि परमात्मा रूप में साक्षात बैठे भगवान जान रहे हैं मेरी असलियत। और इसी प्रकार से भगवान असलियत जानते हैं उन सभी व्यक्तियों की जो अपने आप को बड़ा चढ़ा करके दिखाते हैं, लेकिन वास्तव में उनके अंदर जो आचरण का भाव है, आचरण का जो अभाव है, जैसा जैसा प्रचार कर रहे हैं वैसा अगर आचरण नहीं कर रहे तो भगवान से कुछ चीज छुपी नहीं। इसलिए अगर आपके अंदर आचरण नहीं है किसी किसी भावना का, किसी भक्ति में बातों का, और आप उन बातों का प्रचार कर रहे हैं, तो किसी को भी आपकी बातों का असर नहीं होगा। आचरण रहित प्रचार अगर आप करेंगे तो एक कान से व्यक्ति सुनेगा, दूसरे कान से निकाल देगा, उसके हृदय में बात जाएगी ही नहीं, ये निश्चित रूप से गारंटेड बात है। इसलिए किसी को कोई भी बात समझाने से पहले शास्त्र वर्णन करता है कि आपको स्वयं अपने जीवन में उस बात का आचरण करना बहुत जरूरी है। आप किसी को हरिनाम करना जब ही बोल सकते हैं जब आप खुद हरिनाम कर रहे हैं, तभी किसी को माला जप के लिए बोल सकते हैं जब आप खुद माला जप कर रहे हैं, आप तभी किसी को एकादशी व्रत का बोल सकते हैं जब आप खुद एकादशी व्रत कर रहे हैं, वरना किसी को समझ ही नहीं आएगा बात, वो आपको ये बात को हंसी में उड़ा देगा। ये परमात्मा प्रत्येक आत्मा को मुक्त भाव से कार्य करने की छूट देता है और उसके कार्यों पर निगरानी रखता है। परमेश्वर इन विविध स्वरूपों के सारे कार्य उस कृष्ण भावनाभावित व्यक्ति को स्वतः स्पष्ट हो जाते हैं जो भगवान की दिव्य सेवा में लगा रहता है। इसलिए जो भक्त हैं उनको पहले ही पता लग जाता है किसी दूसरे व्यक्ति को देखे कि ये व्यक्ति कितना बड़ा भक्त है, क्या है ये असलियत, क्या है इसकी। अब हमारे साथ जब हम हॉस्टल में थे कॉलेज में, तो हमारे साथ कुछ लोग जुड़े, हम लोग संग में भक्ति भजन कर रहे हैं, लेकिन वो लोग जो जुड़े उन्होंने जुड़ते ही एकदम माला पकड़ी, माला पकड़ती कभी कोई 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 20 माला जप कर रहा है, कोई 16 माला जप कर रहा है, कोई 21 माला जप कर रहा है, एकदम जोश जोश में 2-3 हफ्ते करा स्टार्टिंग में, फिर सब धीरे धीरे सब छूट गया उनका। असलियत पता लग गई कि वास्तव में पहले शो ऑफ करने के लिए, दिखाने के लिए, सोडा वाटर जोश जिसे कहते हैं, ऐसा हमें नहीं करना है असलियत के साथ। क्योंकि हमें हमेशा इस बात का ज्ञान होना चाहिए कि मेरे हृदय में ठाकुर जी बैठे हैं और मुझे देख रहे हैं नित्य प्रति मैं क्या कर रहा हूं या कर रही हूं, और वो साक्षी हैं, मूक भाव से साक्षी बनकर देख रहे हैं मेरे कार्यकलापों को। तो किसी से झूठ बोलने की प्रवृत्ति आएगी ही नहीं मन में, छल कपट करने की प्रवृत्ति उठेगी ही नहीं, व्यर्थ का डर उठेगा ही नहीं मन में, कभी अपने को अकेला समझेंगे ही नहीं आप। हम अपने को अकेला समझ के ही तो घबराते हैं कि मैं अकेला पड़ गया तो क्या होगा, लेकिन जब ये भावना मन में घर कर जाएगी मैं अकेला कहाँ हूँ, मेरे साथ ठाकुर जी विराजित हैं मेरे हृदय में, इस बात का अनुभव तो करें एक बार, इस बात को माने तो सही दृढ़ता से, फिर देखिए सारा डर कैसे निकल जाता है मन से। साक्षात विराजित ठाकुर मेरे हृदय में बैठे तो मुझे किस बात का डर है। यही भगवान वर्णन कर रहे हैं कि वही दिव्य सेवा में परमेश्वर की इन विविध स्वरूपों के सारे कार्य उस कृष्ण भावना भावित व्यक्ति को स्वतः स्पष्ट होते हैं। जो कृष्ण भावना भावित हो गया है वो जानता है पहले से कि मेरे हृदय में ठाकुर जी बैठे, ना मुझे किसी से झूठ बोलना है, ना मैं किसी की झूठ मैं, और मैं आराम से समझ लूंगा दूसरे व्यक्ति के मन में क्या चल रहा है, क्योंकि उस व्यक्ति के मन में भी ठाकुर जी बैठे हैं। जो उस व्यक्ति के मन में ठाकुर जी बैठे हैं वो मेरे मन में बैठे ठाकुर जी सेम है, कोई डिफरेंस नहीं है। तो मुझे अपना पता लग जाएगा ऑटोमेटिकली कि सामने वाले व्यक्ति कितना समझ रहे हैं मेरी बात, कितना नहीं समझ रहे, क्योंकि मेरे अंदर बैठे ठाकुर जी मुझे सचेतना प्रदान कर देंगे। आदि देवत नामक भगवान के विराट रूप स्वरूप का चिंतन उन नव दीक्षितों के लिए है जो भगवान के परमात्मा स्वरूप तक नहीं पहुंच पाते, अतः उन्हें परामर्श दिया जाता है कि वे विराट रूप का चिंतन करें जिनके पांव अधोलोक
हैं, जिनके नेत्र सूर्य से चंद्र हैं और जिनका सिर उच्च लोक है। तो जो लोग इस परमात्मा विषय को विश्वास नहीं कर पाते हैं कि परमात्मा रूप में भगवान है, हमारे हृदय में बैठे हैं, सबके साक्षी हैं, उनको फिर समझाया जाता है कि भगवान कण कण में है, बाहर अंदर बाहर, पृथ्वी सूर्य चंद्र तारे सब साक्षी हैं फिर भगवान के रूप में हमारे सभी कार्यों के। बच नहीं पाएंगे हम जब हमें हमारे कर्मों का लेखा जोखा पढ़ा जाएगा। साक्षी बनने के लिए बहुत सारे सोर्स हैं, तो इसलिए भगवत गीता हमें सजेस्ट करती है कि कृष्ण भावना भावित बने, कृष्ण भगवान को अपने जीवन में बसाएं, उनसे प्रेम करें, अपने परिवार के परिवार का ही भाग समझें भगवान कृष्ण को। मेरे परिवार का ही अंग है, मेरे परिवार का ही पार्ट है, तो मुझे उनके लिए सभी कार्य करने हैं, उनके बताए मार्ग पर चलने का प्रयास करना है। उससे क्या होगा कि मन हम कृष्ण भावना भावित होंगे धीरे धीरे, और जब कृष्ण भावना भावित होंगे तो हमें एक्सटर्नली कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, कोई हमें जोर जबरदस्ती करेगा भगवद गीता क्लास हो नहीं, फिर अपने आप ही होगा सबका स्पॉन्टेनियस, अपने आप ही भगवान की भजन भक्ति में मन लगेगा, अपने आप ही कथा श्रवण में मन लगेगा, और धीरे धीरे हम भगवान के प्रेम को प्राप्त कर लेंगे। और एक बार भगवान प्रेम प्राप्त हो गया तो क्या होगा, संसार में दोबारा मरने के लिए नहीं आना पड़ेगा। तो धीरे धीरे भगवान जो है भूमिका बना रहे हैं अर्जुन को बताने की कि वास्तव में तुम मुझे कैसे प्राप्त कर सकते हो। तो अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं भगवान को प्राप्त करने में, अपने मन से व्यर्थ का भय, शोक, चिंता, फिकर, डिप्रेशन निकालने में अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं, तो दिस इज द राइट प्लेस फॉर यू टू अंडरस्टैंड दीज चैप्टर्स। इन चैप्टर्स को समझना बहुत जरूरी है। अगर इनको आप सिर्फ ऐसे ही सुनने भर के लिए सुनेंगे फिर भूल जाएंगे, इनका मनन नहीं करेंगे, चिंतन नहीं करेंगे, दोबारा से नहीं पढ़ेंगे, तो मन समझ लीजिए इतना स्ट्रांग है, कई जन्मों से नचा रहा है आपको भी और मुझे भी, ये फिर नचा ले जाएगा। कितने जन्म बर्बाद कर दिए इस मन ने मेरे, मैं सत्युग में भी रहा हूंगा, द्वापर युग में भी रहा हूंगा, जब कृष्ण राम साक्षात थे, मैं चैतन्य महाप्रभु समय में भी रहा हूंगा, लेकिन मैंने इस मन ने कभी मुझे उनके प्रति भक्त नहीं बनने दिया, जो मरते 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 अब मैं इस संसार में कलयुग तक आ गया हूं, कलयुग में भी मैं सीरियस नहीं हूं, कलयुग में भी जीवन ऐसी बीत चुका है, आधा मेरा जीवन, आधा जीवन निकल गया है, आधे से ज्यादा निकल गया हो, अभी तक मेरे अंदर सीरियसनेस नहीं है, तो कब मुझे सीरियसनेस होगी। तो भगवद गीता सजेस्ट कर रही है कि Now you should get up. Now you should become serious. Take shelter of Krishna. Take shelter of Harinam. Harinam जब दृढ़ता से करें, भगवान की भजन साधन कथा श्रवण दृढ़ता से सुने, नहीं तो संसार भर में फिर से संसार में आना पड़ेगा, फिर से यही चिंता, फिकर, शोक, डिप्रेशन का शिकार बनना पड़ेगा। तो 10 मिनट ऊपर हो गए हैं, क्षमा प्रार्थी हैं, लेकिन कथा को हम ही विश्राम देते हैं। आपके मन में कोई प्रश्न हो इस समय तो हम 5-10 मिनट प्रश्न कर सकते हैं, कोई कमेंट्स हो, कोई रियलाइजेशन आप शेयर करना चाहें। थैंक यू। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी, बहुत बहुत धन्यवाद, वेलकम। थैंक यू। आज मैंने आपका मीटिंग ज्वाइन किया, पहले मुझे पता नहीं था कैसे करना है, हम लोग नए हैं अभी जी, अभी पिछले वीक से ही आना शुरू किया है। मुझे ये क्वेश्चन था, मतलब वैसे मैं भगवान कृष्ण से मुझे बचपन से ही अटैचमेंट था, मेरी फैमिली जो है वो सत्संग को मानती है, तो अभी कुछ टाइम पहले मतलब फरवरी के टाइम पे, फरवरी मार्च का समय होगा, मैं घर पे थी तो मैंने ऐसा फील किया कि मैं सो रही हूँ और कुछ स्पिरिट जो है, किसी की स्पिरिट जो है, उसने मुझे उठाया, हाथ पकड़ के उठाया, फिर मैंने भगवान का नाम लिया घबरा के, और फिर मैं फिर ठीक हो गई, मुझे लगा मैं ठीक हो गई। तो ऐसा फिर अनुभव कैसे हो सकता है, कोई और हमको कैसे कंट्रोल कर सकता है, अगर जैसे हम भगवान में बिलीव करते हैं, कृष्ण को मानते हैं, देखिए ऐसा कैसे कर सकता है कोई।
आप हरिनाम करती हैं माता जी? मैंने अभी शुरू किया है यहाँ आना, तो हरिनाम तो नहीं, लेकिन हाँ पूजा वगैरह करते थे हम अपने घर पे लड्डू गोपाल की। वैसे तो क्या है कि स्पिरिट हो गए, भूत प्रेत पिशाच, ये सब या कोई भी ऐसी पराशक्ति जिसको हम समझते हैं कि दे ट्राइंग टू कंट्रोल, और इनका जो भागवतम में वर्णन आया है कि जहां भी भगवान कथा श्रवण चल रही है या उनका कीर्तन चल रहा है या नाम जप चल रहा है, वहां यमदूतों तक को अलाउड नहीं है। तो ये तो बहुत छोटी चीज है। यमदूतों तक को यमराज जी ने इंस्ट्रक्शन दे दी है कि भैया वहां नहीं फटकना है जहां पर किसी ने एक बार भी कृष्ण नाम ले लिया हो, जहां पर किसी ने एक बार भी कृष्ण का स्मरण कर लिया हो। घर में कभी नहीं जाना है जहां पर तुलसी जी विराजित हो। उस घर में कभी नहीं जाना है जिस जहां के लोग जो हैं वो गले में तुलसी धारण करते हो या हाथ में, जिनका तुलसी स्पर्श 24 घंटे हो। अब रही बात किसी ने आपको अनुभव हुआ ऐसा कि किसी ने ऐसा किया, तो उसके कई कारण हो सकते हैं। कई बार उसका मन का भी धोखा हो सकता है, या अगर सच में अगर ऐसा हुआ है तो आप उसको अनुभव उनको उसको आप देखें कि आप जो भी रहे, जैसे शीला प्रभुपाद थे, हम इसको अक्सर समझते हैं जब शीला प्रभुपाद जो इस्कॉन के फाउंडर आचार्य थे, वो अपने प्रचार प्रसार करने के लिए उनको एक घर की आवश्यकता थी, क्योंकि वो घर उन्होंने वो वानप्रस्थी हो गए थे, उन्होंने घर छोड़ दिया था अपना, तो वानप्रस्थ अवस्था में उनको ऐसे ठिकाने की आवश्यकता थी जहां पर वो बैठ के भगवान की कथाओं को लिख सके, श्रवण उनको लिपिबद्ध कर सके पुस्तकों। तो कहीं कोई मकान मिल नहीं रहा था, लेकिन ऐसा मकान उनको मिला जो कि एक तरह से डिफेमस था, मतलब क्या कि वो हॉन्टेड हाउस था। प्रभुपाद लीलामृत तो वर्णन आता है इसका, वहां पर लोग नहीं जाते थे, उस बड़े से मकान में कहते थे वहां पे अंग्रेजों के भूत वगैरह ऐसा कुछ रहते हैं या कोई ऐसे पेशा जो एक्सटर्नल स्पिरिट्स रहती हैं, वहां कोई टिक नहीं सकता। शीला प्रभुपाद जी को निडर थे। अब जो भक्त होता है वो निडर हो जाता है जो भगवत गीता के प्रोसेस को चल रहा है, क्यों? क्योंकि उसको पता है कि मैं आत्मा हूँ, मेरा तो कोई कुछ बिगाड़ ही नहीं सकता, ना पृथ्वी ना अग्नि जला सकती है, ना 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 पानी डुबो सकता है, काट सकता है मुझे। जो इस रियलाइजेशन में जी रहा है उसके लिए मन से डर सारा निकल गया है। तो प्रभुपाद जी पहुंच गए उस घर में। अब जब उस घर में गए तो कथा श्रवण करने लगे, तो कथा श्रवण करते करते एक रात अनुभव उनको होता है कि अजीब अजीब आवाजें आ रही है। तो उससे ये सबूत मिला कि पता लगा कि वास्तव में चीजें एग्जिस्ट तो करती हैं। अगर आपको अनुभव हुआ है तो हो सकता है एग्जिस्ट हो, कोई रहा हो ऐसा स्पिरिट या कुछ ऐसा, लेकिन उनसे घबराना नहीं है। शीला प्रभुपाद के जीवन से मिला कि उन्होंने बोला जब स्पिरिट का उनको अनुभव हुआ तो उन्होंने हरिनाम जप किया, हरिनाम जप का उन्होंने उस तो वो स्पिरिट जो है शास्त्र में आता है और वो अपने स्वरूप में आ गई। स्वरूप में आने के बाद बोला कि मैं इस संसार में भटक रही हूँ और तो भगवान तो आप मुझे, तो प्रभुपाद जी ने बोला कि आप इस हरिनाम का जप करें। इसलिए हरिनाम जप जो है अपने घर में भी आप जोर जोर से करें, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये 16 शब्दों का मंत्र इतना शक्तिशाली है कि प्रत्येक जीव के जब कान में पड़ेगा, चाहे वो शरीर में है चाहे शरीर में नहीं है, तुरंत तक्षण उसकी मुक्ति हो जाएगी, शास्त्र का वर्णन करता है। क्योंकि उस टाइम पे ना मेरा जो है डिलीवरी हुई थी, जस्ट उसके 2 वीक के बाद की बात है, तो मैं पूजा नहीं कर पा रही थी। डिलीवरी हुई थी ना, जस्ट ऑपरेशन हुआ था सेक्शन, तो मैं पूजा नहीं कंडीशन में नहीं थी, मैं लेटी रहती थी, तो लेटे उठते बैठते कभी भी हरिनाम जप करते रहे आप? अभी पूजा नहीं कर पाती थी मैं, नाम तो ले रही थी लेकिन मंदिर में जाके पूजा नहीं कर पा रही थी मैं। इस कलयुग में आवश्यकता भी नहीं है माता जी, इस कलयुग के लिए तो इतनी छूट है कि आप उठीते बैठीते सोईते नहाते धोते कैसे भी यथा कथा नाम ले, कैसे भी किसी भी अवस्था में हो आप, किसी भी अवस्था में कैसी भी अवस्था क्यों ना चल रही हो जीवन की, लेकिन कहाँ प्रॉब्लम आती है, बुद्धि हमारी सशक्त नहीं है। जो हमने आज श्लोक पढ़ा ना 262 श्लोक जो है उसको मनन करें आप, हमारा ध्यान अभी क्या है, अटैचमेंट है संसार से बहुत ज्यादा, इस शरीर से बहुत अटैचमेंट है, इस संसार से इतनी अटैचमेंट है, ये अटैचमेंट हमें भगवान में आगे नहीं बढ़ने देती है। तो इसके अटैचमेंट को क्या करना है, हमें भगवान से जोड़ना है और भगवान का नाम जप करें आप, जितना भी हो सके
उसके लिए ये चिंता ना करें कि मंदिर जा पाएंगे कि नहीं जा पाएंगे, माला पकड़ पाएंगे थैली कि नहीं पकड़ पाएंगे, चलते फिरते उठते बैठते हरि नाम जप करते रहे। ये हमने प्रत्यक्ष अनुभव है, हमारे गुरु महाराज जी का अनुभव है, अनुभव है ही है जो मैंने अभी आपको, खाली हरि नाम के माध्यम से कई बुराइयों से दूर रह सकते हैं आप, जिसका हम अभी सोच भी नहीं सकते। तो इसका अनुभव, इसका प्रयास करें जीवन में अपने, और कोई ऐसी घटती है तो उस पर ध्यान ना दें, हरि नाम भगवान की इच्छा समझें उसे। एक वृंदावन में एक बाबा जी है, वृंदावन के एक बाबा जी के पास एक भक्त आया, उनका नाम है परमहंस जी, हित परमहंस जी, आप देखेंगे उनका बहुत उच्च कोटि के वैष्णव है, राधा भाव में रहते हैं, कृष्ण का नहीं राधा जी का उनके प्रति भाव ज्यादा है। अच्छा, तो उनके सत्संग में एक भक्त आया, बोलने लगा जी, उनको बोलता है जी मुझे 15 साल से ऐसा अनुभव हो रहा है कि मेरे साथ कोई स्पिरिट रहती है, कोई भूत मुझे तंग कर रहा है, 15 साल अनुभव हो गए। तो छूटते ही बाबा जी बोले अरे वो कोई और नहीं कृष्ण ही है, वो कृष्ण ही है जो तेरे पास आ रहे हैं अलग अलग रूप में। कहने का भाव क्या है कि जीव जिस प्रकार से, हम सभी जीव जो है कृष्ण हमारे पिता हैं और राधा रानी हमारी माँ है, रूप में हम हमारे माता पिता की शरण में है, तो कृष्ण जो है ना, जब देखते हैं मेरा बेटा जो है, मेरी बेटी जो है, मुझे कितने जन्म बीत गए इसके, ऐसे ही भटकता जा रहे हैं ये, बार बार कभी हिंदू बन के पैदा हो जाता है, कभी मुसलमान, कभी कुत्ता, कभी बिल्ली, कभी स्त्री, कभी पुरुष, कभी अमेरिकन, कभी अफ्रीकन, कभी रशियन, यही चलता आ रहा है जीवन में। कब आएगा मेरे पास ये? एक जैसे पिता होता है ना, पिता को तड़प होती है, मेरा बेटा शहर गया हुआ है अभी तक नहीं आया लौट के, कैसे उसको मिलू मैं जाके, कैसे मिलेगा मुझे वो? तो वो पिता जो है वो प्रयास करता है कई कई तरह के, कई कभी किसी भक्त से जुड़वा देगा आपको जो पहले से उनके उनके शरण में है, ताकि बुद्धि थोड़ी सी ठीक हो जाए हमारी। या कभी जैसे हमारे साथ हुआ, हमसे हम पढ़ने गए थे इंजीनियरिंग, लेकिन वहां पे भक्त भेज दिया भगवान ने, गए थे इंजीनियरिंग पढ़ने, वहां से हरिनाम करके आ गए, इंजीनियरिंग तक पड़ी पड़ी साइड में, लेकिन भगवान का नाम जब भी हो गया। तो भगवान ये काम करते हैं देखिए, इसलिए संसार की अवस्थाओं से विचलित नहीं होना, उसका प्रयास आप करना है। वो कब होगा? जब हमारी बुद्धि स्ट्रांग होगी, जब हमारी इंटेलिजेंस जब तक कमजोर है ना माता जी, तब तक ये मन ढीला पड़ा हुआ है, तब तक छोटी मोटी घटना भी हमें बहुत बड़ी दिखाई देगी, और हम सोचेंगे अरे क्या हो गया, पता नहीं, अरे पता नहीं क्या घट गया मेरे साथ। ऐसा नहीं सोचना हमें, आप सोचिए कि सब कुछ कृष्ण में है, संसार कृष्ण में है, मेरी मैं कृष्ण की शरण में हूँ, मैं हरिनाम जप कर रही हूँ, और ये हरिनाम जप जो है यही मुझे समस्त प्रकार से बचाएगा, हर विपदा से बचाएगा। ठीक है माता जी? जी। अच्छा, सुबह की पूजा का कोई समय है जो हम अपने घर में करते हैं, कोई निश्चित समय है जिस टाइम? देखिए जिस समय आप उठ जाएं उतना अच्छा है, लेकिन जो वैसे जो भगवान की आरती जो है सुबह 4:30 बजे से प्रारंभ होती है, और 4:30 बजे मंगल आरती होती है, वैसे 5 बजे से यहाँ से लोग करते हैं, 5 बजे से आरती कर सकते हैं, भगवान की मंगल आरती होती है, फिर उसके बाद भगवान को भोग लगता है, बाल भोग, उसके बाद भगवान की श्रृंगार आरती होती है, इसमें भगवान को आरती कर सकते हैं, फिर भगवान को भोग लगा सकते हैं। प्रयास करें कि घर में जो भी बने खाना उसको भगवान को भोग लगाएं, प्याज लहसुन वाला खाना नहीं होना चाहिए, प्याज लहसुन नहीं होना चाहिए उसमें, चाय कॉफी का भी भोग नहीं लगता है। तो प्रयास करें कोई ऐसी चीज जो कि बिना बिना प्याज लहसुन की आप बनाए वो भोग लगाए, सभी लोग परिवार में बैठ के उसको प्राप्त करें, भगवान के प्रसाद में और भगवान में खुद में कोई अंतर नहीं है, तो प्रसाद जरूर जाना चाहिए। अच्छा, जो तुलसी माला है और वो क्या जब हम नहा रहे होते हैं बाथरूम में, तो क्या उसको उतारना पड़ता है? नहीं नहीं, माला को पहने रहते हैं, उसको 24 घंटा पहने रहते हैं, 24 घंटे पहने रहते हैं। बच्चों को भी पहना सकते हैं? हाँ जी, बच्चों को भी पहना सकते हैं, दो माला, एक माला अलग अलग राउंड की माला आती है तुलसी जी की, बच्चों को पहना सकते हैं। मंदिर में मिल जाएगी? आज हम लोग टेम्पल आने का सोच रहे थे। हाँ, मंदिर में मिल जाएगी। अच्छा, ठीक है, हरे कृष्णा। टेम्पल आई है, टेम्पल सभी के लिए खुल गया है, जो सेंट लुइस में रहते हैं कभी मंदिर आ सकते हैं। आज बड़े विशेष भक्त आए हुए हैं न्यू वृंदावन से, उनकी कथा है, जो वेस्ट वर्जीनिया में टेम्पल है, इस्कॉन का बहुत बड़ा मंदिर है, और कथा में आके आप, क्योंकि उनकी अभी जो कथा रिसेंट चल रही है पिछले हफ्ते से, उन्हीं की बात कर रहे हो आप? नहीं, न्यू वृंदावन से भक्त आए हैं माता।
अच्छा कोई और भी आए जी? अच्छा ठीक है, चलिए ये सब चीजें हैं। मेन हमें जो प्रयास करना है वो अपने दृढ़ता लेके आनी है भक्ति में, और हरिनाम जप जितना ज्यादा हो सके सीरियसली हमें हरिनाम जप करना है। यही शक्ति है कलयुग, कलयुग में यही सबसे बड़ी शक्ति, और इससे बड़ी शक्ति इतना बड़ा मिस्टिसिज्म आप देख नहीं सकते। जिस हरिनाम ने हिप्पियों को हैप्पी बना दिया, सही बात है, प्रभुपाद जी कृपा से, वो इससे बड़ी जादूगरी और क्या हो सकती है बताइए। जिन हिप्पियों को कन्वर्ट करने के लिए अमेरिकन गवर्नमेंट परेशान हो गई थी, कैसे कैसे इनको हम ठीक करें, उनको शीला प्रभुपाद जी के इस मिशन ने, हरिनाम ने, हरिनाम जप ने कन्वर्ट कर दिया। और आज देखिए उच्च कोटि के वैष्णव हैं वही हिप्पी लोग, जिनको ये शुद्ध बुद्ध नहीं रहती थी क्या चल रहा है, जिन्होंने नंगे पुंगे सड़क पर ऐसे ही पड़े हुए हैं, कोई उनको सुधबुद नहीं है, क्या कर रहे हैं, नशा कर रहे हैं, अलग अलग ड्रग्स ले रहे हैं, वही आज प्याज लहसुन को छोड़े बैठे हैं। इससे बड़ा चमत्कार और क्या होगा माता जी इस हरिनाम का। जब उनके जीवन में कन्वर्शन हो गया तो हमारे जीवन में नहीं हो सकता, क्यों नहीं हो सकता, सीरियस लेने के हम सीरियस है उस पर डिपेंड करता है। जी हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। और कोई प्रश्न किसी का? अगर नहीं तो कथा को हमें विश्राम देते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, कृपया आपसे जुड़े रहें, आते रहें हर रविवार, हमें भी प्रेरणा मिलती है, प्रोत्साहन मिलता है, और हम जैसे आगे आगे इस सेक्शन में बढ़ रहे हैं तो भगवान आगे आगे और हमें उच्च शिक्षा ज्ञान देंगे, जिससे हम अपने जीवन का, अपने परिवार के जीवन का कल्याण कर सकते हैं। और आपके कोई मित्र वगैरह हो, मित्र वर्ग हो, जो आप समझते हैं कि, क्योंकि एक मित्र का परम कर्तव्य क्या होता है कि अपने मित्रों को भी तारे साथ साथ, तो उनको आप हमारा लिंक शेयर कर सकते हैं ताकि वो भी कथा सुने आके, उनका भी कल्याण हो, मंदिर लेके आ सकते हैं उनको। यही सबसे बड़ी मित्रता का वो है, सूचक है कि आप अपने मित्र को भी तार रहे हैं संसार के दुखों से। इन्हीं शब्दों के साथ सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण, हरे कृष्ण, हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्ण, हरे कृष्ण, हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद, हरे कृष्ण।